نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله مولانا العظيم محترم مشائخ و سادات کرام خدام حضور غریب نواز سید زادگان جمیع خلفاء و وابستگان سلسلہ عالیہ چشتیہ معینیہ اجمیریہ اور جمیع ارکان انجمن معینیہ فخریہ چشتیہ اجمیر شریف اور ہزارہا عاشقان رسول غلامان اہل بیت متوسلان اولیاء و صالحین اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم آج نائب النبی عطاء رسول سلطان ہند شہنشاہ ولایت خواجہ خواجگان قدوہ عاشقان اسوہ عارفان کعبہ صالحین اور سدرہ عارفین حضور غریب نواز خواجہ سید السادات حضور سیدنا خواجہ معین الدین حسن سنجری اجمیری چشتی رضی اللہ تعالی عنہ ہم ان کے دربار عالیہ میں اور ان کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور ایک ایسی درگاہ میں درگاہ معین الدین میں حاضر ہیں جہاں دنیا کے بڑے بڑے شہنشاہ اور حکمران اور سلاطین ہمیشہ سائل اور بھکاری بن کے آتے ہیں جن کی اس سلطنت بر صغیر پاک و ہند میں قائم ہے اور باقی سب ان کے فیض یافتگان ہیں یہ سرزمین اجمیر جو ہندوستان کا اور بر صغیر پاک و ہند کا روحانی مرکز ہے اس بارگاہ میں آج حاضری آپ سب کے لیے بھی اور میرے لیے بڑی سعادت اور بڑی برکت اور بڑی خیر اور بڑی نعمت کا باعث ہے میں 8 سال سے میری پچھلی حاضری آج سے 8 سال قبل ہوئی تھی غالباً 2004 میں آج حاضری طویل مدت آرزو اور شدید خواہش کے بعد نصیب ہوئی اور یہ ویزا پوری انڈیا کی سٹیٹس کا بھی
हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की तवज्जो और आपके फैज से हुआ। इसमें आप सब की जितने खुदाम हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज सैयद ज़ादगान हैं, आप सब की शबो रोज़ दुआओं का असर है। तो जितनी मोहब्बतें आपने निशावर की और अजमेर और राजस्थान और हिंद के गिर्द नवा के इलाकों से हज़ारों लाखों आशिकों ने और मोहब्बत करने वालों ने और इस बारगाह के मुतवस्सिलों ने जो मोहब्बतें निशावर की, मैं उन सब मोहब्बतों पर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह के हुजूर दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सलामत रखे और ये आस्तां अबदुल आबाद तक कायम व दायम और सदा बहार रहे। सलामत रहे ये आस्तां, क्योंकि ये हम सब गरीबों का सहारा है और आसरा है। और मैं मुबारकबाद देता हूँ जुमला खुद्दाम सैयद ज़ादगान को। बड़ी दरगाहें ऐसी हैं और बड़े दरबार ऐसे हैं जहाँ एक अरसा के बाद जब हालात वो नहीं रहते उनके लिए साजगार, तो दूसरी जगह पर मुंतकिल हो जाते हैं और जगहों पर जाकर आबाद हो जाते हैं, वहाँ से कूच कर जाते हैं, नकले मकानी कर जाते हैं। ये एक तारीख है, मगर मुबारकबाद हो आपको। कुल अंजमन मुइनिया फखरिया चिश्तिया कि जितने सैयद ज़ादगान, आप सबको मुबारकबाद हो कि जब हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज यहाँ तशरीफ़ लाए थे तो आपके शेख तरीकत हज़रत ख्वाजा उस्मान हरवनी ने अपना एक मुरीद हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के सपुर्द किया था, जिनका नाम था हज़रत ख्वाजा सैयद फ़ख्रुद्दीन गर्देजी, और अपने मुरीद को हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज का खादिम बनाया था। और उन्होंने उम्र भर खुद को कभी हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज का पीर भाई नहीं समझा, आपका खादिम समझा। और हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने अपना लंगर खाना और अपना दरबार ख्वाजा सैयद फ़ख्रुद्दीन गर्देजी के सपुर्द किया था। ये वाकया 800 साल पहले हुआ। 8 सदियाँ बीत गईं, ज़माने बदले, हालात बदले, मुश्किल वक्त आए, मगर नशीब फराज आए, मगर मुबारकबाद हो आपको कि हज़रत ख्वाजा सैयद फ़ख्रुद्दीन गर्देजी की सारी औलाद 8 सदियों से हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की खिदमत पर जम कर कायम और दायम है। लोग इधर से उधर चले गए, उधर से इधर आ गए, दर बदर सफ़र कर गए और माशी खुशहालियों के लिए कहाँ से कहाँ चले गए, मगर ये हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के खादिम ख्वाजा सैयद फ़ख्रुद्दीन गर्देजी की औलाद, सदियाँ बीत गईं, 1000 साल के करीब अरसा होने को है, खाने का मिला या नहीं मिला इस दर की गुलामी नहीं छोड़ी। और 800 साल से ख्वाजा गरीब नवाज के खादिम की औलाद का आज तक खादिम बनते चले आना, अल्लाह की इज्जत की कसम, ये नायब रसूल और अताउन नबी की जिंदा करामत है। और ये इसका माना मैं तो ये समझता हूं कि जिस तरह ख्वाजा सैयद फ़ख्रुद्दीन गर्देजी की खिदमत को उन्होंने कबूल कर लिया था, वो सिर्फ उनकी ज़ात के लिए नहीं, लगता है ता कयामत उनकी औलाद को भी अपनी खिदमत के लिए कबूल कर लिया। मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी खिदमत सदा सलामत रखे और हमेशा बाहमी मोहब्बत और मवद्दत और वहदत के साथ रहें, और आपकी नस्लें भी हुजूर गरीब नवाज की इस खिदमत पर हमेशा कायम रहें। मुझे भी, आप हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के खुद्दाम हैं, खादिम हैं, मुझे अपने खादिमों के में अंदर नाम लिख लें, मैं ख्वाजा गरीब नवाज के खादिमों का खादिम हूँ,
मैं ख्वाजा गरीब नवाज का अदना सा नौकर हूं, ख्वाजा गरीब नवाज के दर का सब हूं, ख्वाजा गरीब नवाज के दर का एक सवाली हूं, ख्वाजा गरीब नवाज का भिखारी हूं। और मेरी मेरा ध्यान इधर है, मेरा चेहरा इधर है, मेरा कल्ब इधर है, मेरी रूह इधर है, मेरी नस नस इधर है, और मैं झोली फैला के खराजा गरीब नवाज के फैज की भीख लेने आया हूं। इसलिए मैं इनके खादिमों का भी खादिम हूं। मैं ख्वाजा गरीब नवाज के दर का झाड़ू कश हूं, जारोब कश हूं, और यहां की खाक के जर्रों को अपनी आंखों का सुरमा बनाने वाला हूं। हाजरीन मोहतरम, आज का मेरा मौजू ही यह है, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज नायब नबी और अताए रसूल। मगर मैं चाहूंगा, चूंकि यह खिताब सिर्फ यहीं नहीं रहना, यह तवील मुद्दत तक क्यू टीवी के जरिए और दुनिया के बेशुमार टीवी चैनल्स के जरिए और डीवीडीज और सीडीज के जरिए करोड़ों लोगों तक, सालों तक, सदियों तक सुना जाता रहेगा। तो मैं चाहता हूं, मैं बयान तो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अताए रसूल के मौजू पर करूंगा, बात चीजें ऐसी भी बयान करूंगा जो शायद आपको मालूम हो, चूंकि आप अजमेर शरीफ के रहने वाले हैं, हर सुबह शाम इस बारगाह से मुतमस्सिक हैं, मगर वो चीज़ें आपके नॉलेज में होंगी, मगर उन करोड़ों लोगों तक, शर्क से गर्ब तक, उनके नॉलेज में नहीं होंगी। तो मैं ऐसी चीज़ें जिनकी तफसीलात शायद या जुज़ियात आपको मालूम हो, मैं उनको भी बयान करूंगा, ताकि शर्क से गर्ब तक जो लोग मेरी आवाज़ और गुफ्तगू को उम्र भर सुनते रहेंगे, उन तक भी हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अताए रसूल की शान का तज़करा पहुँचे और वो उनके मुकाम और मनसब को समझें कि ये दरगाह क्या है। और इससे कबल ये जो सिलसिला विलायत है, औलिया कराम की शान, औलिया कराम का वजूद उम्मत में, औलिया कराम का मुकाम और इस्लाम में इनकी इनका मनसब, इसके ऊपर आज मादियत ज़दा दौर में शकूक व शुबहात पैदा किए जाते हैं। मैं चाहूँगा कि हदीस नबवी की रोशनी में इस तसव्वुर को भी पहले बयान कर दूं, ताकि बुनियाद ठोस कायम हो जाए और कोई शख्स कुरान और हदीस की रोशनी में औलियाए कराम के मुकाम को, मनसब को, अजमत को रद्द न कर सके। ये करके, बयान करके फिर हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के मौजू पर आ जाएंगे। बाज़ लोग ये समझते हैं कि कुरान मजीद में जिस तरह इरशाद फरमाया इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, कि मुत्तकी लोग अल्लाह के औलिया होते हैं, कोई शक नहीं, मुत्तकीन ही अल्लाह के वली होते हैं, लेकिन इस आयत करीमा का बाज लोगों ने गलत मफहूम ले लिया, और वो ये उन्होंने समझा कि औलिया उम्मत मुहम्मदी में कोई खास तबका नहीं, हर नेकोकार वली है। मेरी बात समझ रहे हैं? कुरान ने कहा बेशक औलिया अल्लाह के जो वली हैं वो मुत्तकीन होते हैं, लेकिन इसका गलत माना यह ले लिया गया कि हर नेक आदमी उसको वली समझ लिया गया, ताकि औलिया का जो मुकाम व मनसब है और उनका जो इम्तियाज है और इनकी जो इनफरादी शान है उम्मत मुहम्मदी में, उस तसव्वुर को जहनों से मिटाया जाए और आसानी के साथ हर बंदे को वली बना दिया जाए। तो मैं बुखारी और मुस्लिम से और सिहा सित्ता से पहले इसको वाजे करूंगा कि औलिया अल्लाह एक तबका है, जैसे सहाबा कराम का एक तबका है, जैसे अहले बैत अतहार एक तबका है, तो उम्मत में कयामत तक रहने वाला औलियाए कराम का ये एक तबका है, और इनकी शान, इनकी शौकत और इनकी अजमत का अकीदा हमने आज के जमाने में महज अपनी अकीदत के लिए नहीं घड़ा, इनकी शान को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
खुद सराहत के साथ 15 सदियां पहले बयान कर दिया। कुरान मजीद ने भी किया, मगर कुरान मजीद में जो कुछ बयान हुआ, मैंने 2 आयतें पढ़ी, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि बेशक, या अल्लाह ने एक टर्म इस्तेमाल की, बेशक औलिया अल्लाह को न कोई खौफ और न कोई गम। और दूसरी आयत करीमा जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, जिसका आज भी आप मुशाहदा कर रहे हैं, इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात, ये लोग जो ईमान के और अमल साले के कामिल पैकर बन गए हैं, सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा, अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत को लोगों के दिलों में जमा देगा। अब ये वजह है कि 800 साल गुजर गए, सलातीन वक्त भी हुए, बड़े बड़े बादशाह भी हुए, हुक्मरान भी हुए, उमरा भी हुए, मगर है कोई मिसाल सलातीन दुनियावी बादशाहों और शहनशाहों में किसी एक की कि उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में इस तरह घर कर गई हो? उनके तो जो कब्रें हैं और मज़ारात हैं बाज़ुकात वो भी बोसीदा खंडर बन जाते हैं, मगर 8 सदियां गुजर गईं, ये कैसे सुल्तान हैं, ये कैसे शहनशाह हैं, ये कैसी सल्तनत रखने वाले लोग हैं कि सदियां गुजर गईं, इनकी मोहब्बत के चराग जो इनके जमाने में जले थे वो बुझे ही नहीं बल्कि मजीद जलते चले जा रहे हैं। ये मुंह बोलता सबूत है। अब ये कुरान मजीद की 2 आयतें जो पढ़ी, इसका माना मफहूम और इसकी तशरीह हम बुखारी मुस्लिम और सियासत्ता की अहादीस से करते हैं, 10, 12 या 13 अहादीस इस बाब पर बयान करूंगा ताकि हमेशा के लिए इस तसव्वुर पर उठने वाला हर एतराज भी रद्द हो जाए और हर शक को शुबा उसका भी इजाला हो जाए। ये बुनियाद कायम करके फिर हम सुल्तानुल औलिया के मजमून पे आ जाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, ये मुत्तफ़क अलैह हदीस है। जब कोई हदीस मुत्तफ़क अलैह है, बुखारी और मुस्लिम दोनों का इत्तेफाक हो जाए, तो आप समझ लें कि कुरान मजीद के बाद उस मुत्तफ़क अलैह हदीस का दर्जा ऐसा है कि दुनिया का कोई आलिम उसकी सेहत को रद्द नहीं कर सकता, इनकार नहीं कर सकता। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अव्वल ज़ुमरतिन तलजुल जन्नह सूरतुहुम अला सूरतिल क़मर लैलतुल बद्र, फरमाया पहला तबका मेरी उम्मत का जो जन्नत में जाएगा, और ये पहला तबका वो होगा, याद रख लें, अभी क़यामत के दिन उम्मतों का हिसाब व किताब भी शुरू नहीं हुआ होगा, हिसाब व किताब बाद में शुरू होगा, उसके शुरू होने से पहले हदीस सही में अल्लाह पाक फरमाएंगे, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिसाब व किताब के लिए तराजू बाद में लगाते हैं, मीज़ान बाद में लगते हैं, हिसाब व किताब के खाते बाद में खोलते हैं, जो बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत के वारिस हैं उनको पहले रवाना कर दें। तो पहला तबका आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो जन्नत में जाएगा, उनकी चेहरे 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहे होंगे। ये देखें ना, जिसको नजर आ रहा है 14वीं रात की चांद की तरह दूल्हा आज भी चमक रहा है, ख्वाजा मोइनुद्दीन, ये दूल्हा आज भी 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा है और कयामत तक चमकता रहेगा। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसे दूल्हे कयामत के दिन भी 14वीं रात के चांद की तरह चमकेंगे।
इनकी शान पर, इनकी शान पर चीब जबी होने वाले और इनकी अजमतों और इनकी शान विलायत को न समझने वाले, न मानने वाले, बातें करने वाले, उनके चेहरे मुरझाए हुए होंगे, उनके चेहरों पर तारीकी होगी, उनके चेहरों पर मायूसी होगी। एक तरफ मुरझाए हुए तारीक चेहरे होंगे, बला इल्म के नाम निहाद दफ्तरों के दफ्तर उनके हाथ में होंगे, एक तरफ चौदहवीं रात के चांद की तरह चमकते हुए चेहरे होंगे। और आगे सुनिए, फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आनियतुहुम फीहा ज़हब अमशातुहुम मिन अज़हब वल फिद्दा, इनको खाने पीने के बर्तन दिए जाएंगे। किनको? हाथ से इशारा करें ना, इनको और इनके फैज याफ्तगान को, औलिया को, बर्तन दिए जाएंगे। आज सोने के बर्तन और चांदी के हराम हैं, क़यामत के दिन हलाल हो जाएंगे। इनके बर्तन सोने के होंगे और इनके कंघे कंघी करने के, अपनी जुल्फे और अपनी दाढ़ी सजाने संवारने के लिए फरमाया सोने और चांदी के कंघे होंगे। ये किसी की लिखी हुई दास्तान नहीं सुना रहा, ये मुत्तफक अलैह बुखारी मुस्लिम की हदीस बता रहा हूं। और फिर क्या होगा? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वरशहुमुल मिस्क, और इनके पसीने से कस्तूरी की खुशबू आ रही होगी। और फिर आका ने फरमाया लख्तिलाफ बैनहुम वला तबाग़ुद, और ये जितने औलिया क़यामत के दिन होंगे इनके दरमियान न कोई इख्तिलाफ होगा, न कोई बुग्ज़ व अदावत होगी। हदीस पाक के इस जुमले से एक नसीहत मिलती है बड़ी ख़ास, वो ये कि इल्म वालों में बुग्ज़ भी हो जाता है, इल्म वालों में आपस की अदावत भी हो जाती है, इल्म वालों में धरेबंदी भी होती है, इल्म वालों में फिरका बंदी भी हो जाती है, उनके दिल एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। मगर ये औलिया, ये जुहद वाले, ये सफाए कल्ब वाले, ये सिद्क वाले, ये इखलास वाले, ये विलायत वाले, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इनमें न कोई इख्तिलाफ बामी होगा, न कोई बुग्ज़ अदावत होगी इनके दरमियान। अब इस हदीस से जो बात समझाना चाहता हूं वो ये कि कुल सलासले तरीकत से मुंसलिक लोग, खा उनका ताल्लुक तरीका ए कादरिया से हो, खा उनका ताल्लुक तरीका ए चिश्तिया से हो, खा ताल्लुक तरीका ए नक्शबंदिया से हो, खा ताल्लुक तरीका ए शाज़लिया से हो, खा ताल्लुक तरीका ए सुहरवर्दिया से हो, खा ताल्लुक तरीका ए रिफाइया से हो, खा ताल्लुक तरीका ए अलविया बदविया से हो, जिस भी खानवादे सिलसिला तरीकत के साथ उनका ताल्लुक हो, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये सिर्फ मशायख और निस्बतों और इरादतों की पहचान के लिए हैं, मगर उलमा में फर्क हो सकता है, औलिया में कोई फर्क नहीं होता। औलिया एक ही घर और एक ही गुलदस्ते के फूल होते हैं, लिहाजा अहले तसव्वुफ का तरीका नहीं कि वो चिश्तियत, कादरियत, नक्शबंदियत, सोरवर्दियत और शाज़लियत की बुनियाद पे आपस में कोई तफरका और आपस में कोई तबागुज बनाए। आप अहले सिलसिला, अहले तसव्वुफ, औलिया सूफिया के मानने वाले जिस भी तरीका और सिलसिला से मुंसलिक हों, आप हमेशा इस बात पे ख्याल रखें कि आप में ना इख्तिलाफ है ना बुग्ज़ अदावत है, एक होके रहें। कुल औलिया एक होंगे, कुल औलिया एक होंगे। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया और इनके जो दिल हैं, कुलूबहुम कल्बुन वाहिदुन, और इनके सारे औलिया सूफिया के दिल एक दिल की मानिंद होंगे, एक दिल होंगे। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया युसब्बिहून अल्लाह बुकरतम वाशिया, एक दिल के तौर पे मुत्तहिद होंगे,
सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह करते होंगे। ये औलिया की शान। फिर आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं तसव्वुर दे रहा हूँ कि औलिया हर कसो नाकस का नाकाम नहीं है, और वली हर कसो नाकस को नहीं कहते कि कोई समझे कि ये अलग से कौन सा तबका हो गया औलिया अल्लाह। नहीं, आका अलैहिस्सलाम ने इनकी इम्तियाजी इनफिरादी शान और शनाख्त बयान की है। सही बुखारी में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, फिर वहां आका अलैहिस्सलाम ने तशख्स और इनफिरादीजत के साथ वली की शान बयान की और फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया हदीस कुदसी, मन आदली वलीयन फकद आज़न्तुहु बिलहर्ब। अल्लाह पाक फरमाते हैं जो मेरे किसी एक वली से अदावत रखता है मैं उसके साथ ऐलान जंग कर देता हूं। ये अल्लाह का ऐलान जंग हर एक के लिए थोड़ा होता फिरता है। अल्लाह की शान है कि वो बंदों से ऐलान जंग करे, उसको क्या पड़ी? वो खालिक व मालिक है, वो कादिर मुतलक है। बंदों की इंसानों की हैसियत ही क्या है खालिक के सामने? वो ऐलान जंग करे तो क्यों करे? उसने जो लफ्ज इस्तेमाल किया ऐलान जंग का, इसमें उसकी कमजोरी नहीं, वो अपने वलियों की ताकत दिखाना चाहता है, औलिया के मुकाम व मनसब और उनकी अजमत दिखाना चाहता है कि जो मेरे वली यन किसी अदना मुकाम और दर्जे के वली से भी जिसने अदावत रखी खुदा का उसके साथ ऐलान जंग है। एक वली से अदावत रखने पर खुदा ऐलान जंग करता है, और अगर कुल वलियों का शहंशाह हो और नायब रसूल हो और अता मुस्तफा हो और सुल्तान हिंद हो और कुल वली जिसके दर के साए हो, जो उससे अदालत रखे खुदा के कितने ऐलान जंग हो गए उसके खिलाफ। और अल्लाह पाक ने, और फिर हदीस से आका अलैहिस्सलाम ने फिर हदीस कुदसी में आका अलैहिस्सलाम ने मजीद फरमाया कि अल्लाह पाक का इरशाद है, वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफिल हत्ता उहिब्बहु। ये जो हम मोहब्बत करते हैं ये राज भी खोलता हूं। हमें तोहमत देना, बाज़ लोगों को यह वहम होता है कि मोहब्बत सिर्फ अल्लाह से करनी चाहिए, मोहब्बत सिर्फ अल्लाह से करनी चाहिए। तो मोहब्बत में भी समझते हैं कि अगर ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत हो गई तो ये मोहब्बत में शिर्क हो गया। नादान लोगों, आपने तौहीद की हकीकत को नहीं समझा। उससे मोहब्बत करने पर शिर्क होता है जो खुदा का गैर हो। अल्लाह, हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अगर कोई ये समझे कि किसी और से मोहब्बत करना नाजायज है तो हमें रोकने से पहले अगर किसी के अंदर इतनी जुर्रत है तो पहले खुदा को रोके। वो फरमाता है हत्ता उहिब्बहु कि मैं मोहब्बत करता हूं इनसे। खुदा कहता है मैं मोइनुद्दीन से मोहब्बत करता हूं। खुदा कहता है मैं उस्मान हरमनी से मोहब्बत करता हूं। रब कायनात कहता है मैं गर्देज फखरुद्दीन गर्देजी से मोहब्बत करता हूं। खुदा कहता है मैं कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी से मोहब्बत करता हूं। अल्लाह कहता है मैं बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर से मोहब्बत करता हूं। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया से मोहब्बत करता हूं। अमीर खुसरो से मोहब्बत करता हूं। अलाउद्दीन अहमद साबिर से मोहब्बत करता हूं। नसीरुद्दीन महमूद चिराग दिल्ली से मोहब्बत करता हूं। वो कहता है मैं गौसुल आजम शाह जिलानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी से मोहब्बत करता हूं। शाह नक्शबंद से मोहब्बत करता हूं। शेख सोरबर से मोहब्बत करता हूं। अबुल हसन शाजली से मोहब्बत करता हूं। खुदा कहता है हत्ता उहिब्बहु, पहले मैं मोहब्बत करता हूं। अरे हम मोहब्बत करें तो शिर्क हो जाए, अगर खुदा इनसे मोहब्बत करे तो क्या करा दे?
हम तो इनसे मोहब्बत करके, अताए रसूल से मोहब्बत करके, नायबुन नबी फिल हिंद से मोहब्बत करके, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत करके, रब्बे कायनात इज्जत की कसम वो काम कर रहे हैं जो खुदा ने किया है। हम तो अल्लाह की सुन्नत अदा कर रहे हैं, हम तो अल्लाह की सुन्नत अदा कर रहे हैं। देखिए हम नमाज पढ़ते हैं, ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की सुन्नत नहीं। हम पंजगाना नमाज पढ़ते हैं, ये हमारे ऊपर फर्ज है, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की बोलिए भाई सुन्नत नहीं, क्योंकि खुदा नमाज नहीं पढ़ता, वो किसकी नमाज पढ़े। हम रोजा रखते हैं, ये खुदा का हुक्म है, खुदा की सुन्नत नहीं, क्योंकि अल्लाह रोजा नहीं रखता कि वो रोजा इफ्तार करे और सहर करे, नहीं। हम हज करते हैं, अल्लाह का हुक्म है, वलिल्लाह अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। मैं हर हर बात पे आयतों को क्या पढ़ूंगा, आप सुनते रहते हैं मेरी बातों को। हज करते हैं, खुदा का हुक्म है, सुन्नत नहीं। खुदा अपने घर का हज करने नहीं आता, आप समझे। हम जकात देते हैं, खुदा का हुक्म है, उसकी सुन्नत नहीं। अब फर्क की समझ आ गई, क्योंकि खुदा खुद जकात बोलिए नहीं देता। ये सारे फराइज़ शरीयत और सारे अहकाम शरीयत याद रख लें, अल्लाह का हुक्म है, उसकी सुन्नत नहीं। अल्लाह का हुक्म है, उसकी सुन्नत नहीं। मगर दो चीजें अल्लाह की सुन्नत हैं, दो चीजें अल्लाह की सुन्नत हैं, एक उसके महबूब मुस्तफा पे दरूद व सलाम पढ़ना, एक उसके औलिया से मोहब्बत करना। दो अल्लाह की सुन्नतें। और मैं एक बात कह दूं, एक बात कह दूं, एक खास बात कह दूं, और अगर उलमा में से किसी को बात पसंद ना आए तो मैं झगड़ा करने वाला आदमी नहीं हूं, वो मुझे माफ कर दे। एक बात, एक सौदा दे रहा हूं, पसंद आए तो ले लें, पसंद ना आए तो वापस कर दें। मेरे पास खरीदार बहुत हैं, जिनको पसंद होगा उनको मैं दे रहा हूं, देता रहूंगा, जिनको पसंद ना आए मेरी बात वो वापस कर दें। सुनिए, बड़ी एक लतीफ बात कहना चाहता हूं, मगर कोई ध्यान से सुनेगा तो उसको मुश्किल पेश नहीं आएगी। अब दो बातें कर दी मैंने, कुछ चीजें आपको बता दी जो अल्लाह का हुक्म है, कुछ चीजें बता दी अल्लाह की सुन्नत हैं। अब अल्लाह के हुक्म और अल्लाह की सुन्नत के फर्क को जरा जानते हैं। यूं तो अल्लाह के हर काम का दर्जा ऊंचा, हर काम का दर्जा, उसका कोई मुकाबला किसी शय से नहीं, मगर हुक्म मुजर्रद हुक्म है। हुक्म मुजर्रद हुक्म है कि ये करो, ये करो, नहीं, हुक्म है कि ये करो, मैं खुद नहीं करता, तुम करो, मेरी शान नहीं कि मैं ये करूं, बात समझे, तुम करो, मैं खुदा हूं, मेरा काम नहीं है ये नमाज पढ़ूं, हज करूं, जकात दूं, रोजा रखूं और दीगर अहकाम शरीयत जो हैं, मैं खालिक हूं, हुक्म देने वाला हूं, शरीयत देने वाला हूं, वही उतारने वाला हूं, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं तुम मखलूक को तुम करो। तो जो अल्लाह खुद न करे और हमें करने का हुक्म दे वो तो हुआ हुक्म, खुद न करे हमें कहे, करने को कहे, वो हुआ हुक्म। और जो काम अल्लाह हमें करने को भी कहे और करने से पहले खुद करे वो हुई सुन्नत। तो सुन्नत में हुक्म भी शामिल है और खुदा का अपना फेल भी शामिल है। तो सुन्नत का दर्जा, खुदा की सुन्नत का दर्जा मुजर्रद हुक्म से ज्यादा हो गया, क्योंकि उसमें अल्लाह का हुक्म भी है और अल्लाह का अपना अमल भी है। सुन्नत का दर्जा बढ़ गया सवाब में, अजर में, फजीलत में। सो सारे अहकाम खुदा का हुक्म है, रसूल पर दरूद व सलाम और
اور اس کے مقرب بندوں محبوبوں پر نبیوں ولیوں کے ساتھ محبت، یہ دونوں اللہ کا حکم بھی ہیں، خدا کی سنت بھی ہیں۔ اب فرق یہ، جو خواجہ اجمیر عطا رسول سے محبت کرتے انہیں رب نے اپنی سنت میں شریک ہونے کی توفیق دے دی، جو محبت نہیں کرتے انہیں پرے کر دیا، جاؤ تمہیں اس کام میں شریک نہیں کرتا۔ جو محبت کرتے ہیں انہیں اللہ نے اپنے کام میں شریک کر دیا، آؤ میں بھی پیار کرتا ہوں معین الدین سے، تم بھی پیار کرو۔ اور جن کے دل محبت سے خالی کر دیے انہیں کہا پرے جاؤ، تمہارے دل اس قابل ہی نہیں کہ میرے معین الدین سے محبت کرو، میرے مصطفیٰ کی عطا سے محبت کرو، میرے مصطفیٰ کے نام سے محبت کرو۔ اب اس میں جو محبت نہیں کرتا اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں، اس کے دل کے بھانڈے کو، دل کے برتن کو اس نے پسند ہی نہیں کیا۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ پاک نے فرمایا حتی احبہو، حتی کہ میں اس بندے سے ولی سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اور پھر فرمایا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، پھر میں جب اس ولی سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اب یہاں ایک سیکنڈ روک کر کوئی یہ نہ کہے کہ ٹھیک ہے بخاری میں ہے مسلم میں ہے، پر حدیث ہی ہے نا، حدیث کی بات کو رد نہیں کر سکتے، حدیث صحیح ہو تو قرآن تو نہیں، نہیں قرآن بھی ہے، فرمایا يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، قرآن کی نص دے رہا ہوں، فرمایا ایسے لوگوں کو لاؤں گا اگر تم میری نافرمانیوں میں چلے جاؤ گے تو تمہیں ہٹا دوں گا، میرے پاس ایسے بندے بھی ہیں، ایسوں کو لاؤں گا يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، جن سے خود میں محبت کرتا ہوں گا اور وہ مجھ سے محبت کرتے ہوں گے۔ تو قرآن کہتا ہے اللہ ان سے محبت پہلے کرتا ہے، یہ محبت بعد میں کرتے ہیں، پہلے خدا انہیں محبوب بناتا ہے پھر خود ان کا محبوب بنتا ہے، پہلے انہیں محبوب بناتا ہے پھر خود ان کا محبوب بنتا ہے۔ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، یہ قرآن کی نص ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب میں انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو تمہیں معلوم ہے کہ انہیں اپنے نزدیک کتنا کرتا ہوں، کتنا نزدیک کر لیتا ہوں، فرمایا كنت سمعه الذي يسمع به، میں ان کے کان بن جاتا ہوں جس سے سنتے ہیں، میں حضرت خواجہ معین الدین کے کان بن جاتا ہوں، معین الدین کے جس سے میرا معین الدین سنتا ہے، بصره الذي يبصر به، میں اپنے ولی کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، ویدہ التی یبتش بہا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے گرفت کرتا ہے۔ تو جب ہاتھ حضرت عطا رسول خواجہ معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ خود خدا بن گیا تو پرتھوی راج اب کہاں جائے گا، اب کوئی سلطان کہاں جائے گا، اب جوگی اجے پال کہاں جائے گا، جس کا ہاتھ خود خدا بن جائے اس کی گرفت سے بچ کون سکتا ہے۔ اور فرمایا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، خود اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، جو مانگتا ہے میرا ولی عطا کر دیتا ہوں، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، جس کے لیے مجھ سے پناہ مانگتا ہے باری تعالیٰ ان کو جانے دے، ان کو چھوڑ دیتا ہوں، پناہ دے دیتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث آپ کو بتا دی۔ اب یہی حدیث پاک جو میں نے آپ کو صحیح بخاری کے حوالے سے بتائی، اب یہی مضمون بہت سی حدیث میں مختلف الفاظ کے ساتھ آیا ہے، یہ حدیث وہ ہے جو آپ نے اکثر سنی، اس حدیث کے مضمون کے بہت سی کتب حدیث کے ایسے گوشے ہیں اس کے مضمون کے جو بیشتر آپ نے نہیں سنے، میں اس حدیث کے مضمون کو ان کو ساتھ ملا کے مکمل کرتا ہوں۔ حضرت زید بن اسلم روایت کرتے ہیں اپنے والد سے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عمر خرج الی المسجد، یہ حدیث اسے امام حاکم نے روایت کیا اور کہا کہ ھذا اسناد صحیح و
ولا توفض له الا, اس حدیث کی سند میں کوئی کمزوری نہیں, صحیح حدیث ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں گئے, گھر سے نکلے مسجد, یہی حدیث ہے جو پہلے سنائی. اب مختلف کتب حدیث میں مختلف طرق سے مختلف اسانید سے یہ مضمون اور نئی نئی تفصیل کے ساتھ آیا, وہ بیان کر رہا ہوں. مسجد نبوی کی طرف گئے, فوجد معاذن عند قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو سیدنا معاذ ابن جبل کو آقا علیہ السلام کے مزار پاک کے پاس بیٹھا, یبکی روتا ہوا دیکھا, وہ رو رہے تھے. فقال ما یبکی کا یا معاذ, سیدنا فاروق اعظم نے پوچھا اے معاذ بن جبل تجھے کس شے نے رولا دیا, کیوں رو رہے ہو؟ قال یبکینی حدیث سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عرض کیا کہ امیر المومنین ایک حدیث میں نے آقا علیہ السلام سے سنی تھی, مجھے وہ حدیث رولا رہی ہے, اس وجہ سے رو رہا ہوں. سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کیا؟ کہنے لگے آقا علیہ السلام نے فرمایا الیسیر من الریاء شرک, تھوڑا سا دکھلاوا بھی شرک خفی ہوتا ہے. یہ اس ریا سے پاک لوگ ہیں, معمولی سا دکھلاوا ریا بھی شرک ہوتا ہے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا من عادى اولیاء اللہ فقد بارز اللہ بالمحاربہ ان اللہ یحب الابرار الاتقیاء الاخفیاء, یہ الفاظ بدل گئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا جو میرے اولیاء سے, اولیاء اللہ سے عداوت رکھتا ہے اس نے اللہ سے جنگ مول لے لی ہے, جنگ مول لے لی ہے, اور بے شک اللہ اپنے ان ولیوں سے محبت کرتا ہے جو نیکوکار بھی ہیں متقی بھی ہیں, اور اہل دنیا سے جن کے مراتب اوجل ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اور فرمایا قلوبہم مصابیح الدجا, ان کے دل اندھیروں میں چراغوں کی مانند ہوتے ہیں, یعنی اندھیری راتوں میں ظلمت اور تاریکی کی راتوں میں ان کے دلوں سے جو نور پھوٹتا ہے وہ لوگوں کو ایمان کی روشنی عطا کرتا رہتا ہے. یخرجون من کل غبراء مظلمہ, اور وہ خود ہر طرح کی ظلمت اور تاریکی سے پاک ہوتے ہیں. یہ حضرت معاذ ابن جبل نے حدیث بیان کی. اور پھر انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں من اہان لی ولیاً, آقا علیہ السلام کا فرما, جس نے میرے ولی کی, اللہ پاک نے فرمایا معمولی سی بے ادبی کی, اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہو گیا. اس کو امام دہلمی اور حکیم ترمذی نے روایت کیا. اللہ پاک نے فرمایا من آذا لی ولیاً فقد استحل محارمی, جس نے میرے ولی کو اذیت دی دکھ پہنچایا اس نے میری حرام کی ہوئی حدوں کو حلال کر دیا, یعنی میری شریعت کی حدیں توڑ ڈالی. اور پھر فرمایا حضرت انس ابن مالک نے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا ارشاد ہے اولئک ہم اولیائی حقا حقا, یہ لوگ جن کے چہروں پر سجدوں کا نور اور حسن دیکھتے ہو یہ حقیقت میں یہی میرے اولیاء ہیں. اور آقا نے فرمایا اللہ کی طرف سے بندے فَإِذَا لَقِيتَهُمْ فَخْفِدْ لَهُمْ جَنَاحَكْ وَذَلِّلْ لَهُمْ قَلْبَكْ وَلِسَانَكْ, جب تم کسی میرے ولی کی بارگاہ میں جائے اور اس کے سامنے ہو تو اپنے کندھے ادب اور احترام اور تواضع کے ساتھ جھکا لے. یہ جو کہتے ہیں کہ آپ اولیاء کی بارگاہ میں جا کے جھکتے کیوں ہیں, یہ جھکنا معاذ اللہ کوئی سجدہ ہے, معاذ اللہ شرک ہے, نہیں, جھکتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے. فَإِذَا لَقِيتَهُمْ فَأَخْفِدْ لَهُمْ جَنَاحَكَ, جب میرے ولی کی بارگاہ میں جاؤ تو ادب سے جھک جاؤ. وَذَلِّلْ لَهُمْ قَلْبَكَ وَلِسَانَكَ, اور اپنا دل ان کے سامنے متواضع کر لو اور اپنی زبانوں کو بند کر لو. اور اگر تم ان کے سامنے ادب کے ساتھ جھکو گے نہیں تو وَعَلَمْ اَنَّهُ مَنْ أَحَانَ لِي وَلِيًّا, جو تواضع سے ادب سے انکساری سے میرے ولی کی بارگاہ میں نہیں جھکتا وہ میرے ولی کی بے ادبی کر رہا ہے. تو پھر جس نے میرے ولی کی بے ادبی کی فقد بارزنی بالمحاربہ, اس کا میرے ساتھ اعلان جنگ ہو گیا. وبادانی وارد علی نفسی ودعانی الیہا,
उस वो खुल कर मेरे सामने आ गया जो मेरे वली के सामने झुका नहीं, जिसने मेरे वली का अदब नहीं किया, जो मेरे वली के सामने सरापा पैकर मोहब्बत, पैकर तजल्लुल, पैकर खुशू और पैकर तजीम नहीं बना, उसने मुझे चैलेंज कर दिया। और फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं वा अना असरा शैइन इला नुसरत औलियाई, और मैं अपने वलियों की मदद में सबसे बढ़कर तेजी करने वाला हूं। आफा यज़ुन्नु अल्लज़ी युहारिबुनी अन यकूम ली, मेरे वली की बेअदबी करने वाले क्या तू ये गुमान करता है कि मेरे सामने टिक सकेगा? अल्लाह पाक फरमाते मेरे औलिया की बेअदबी करने वाले क्या तू इस घुमंड में है कि तू मेरे सामने टिका रहेगा? और यज़ुन्नु अन युजिज़नी, या तू ये गुमान करता है कि मुझे आजिज कर देगा? और यज़ुन्नु अन यस्बकनी, या ये गुमान करता है कि तेरी ताकत मुझसे बढ़ जाएगी? फकैफा वा अना सायरुन हम फिद दुनिया वल आखिरा ला अकुनु नुसरतन मिला गैरी, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि मैं इस पूरी दुनिया में और जिंदगी में सबसे बढ़कर अपने औलिया की इज्जत की खातिर इनके हर बेअदब से इंतकाम लेने वाला हूं और क़यामत के दिन भी इंतकाम लेने वाला हूं? और सुन ले, जब मेरे वली का मामला आता है तो इनकी इज्जत की रखवाली का काम मैं किसी और के सपुर्द नहीं करता, खुद करता हूं, किसी और को नहीं सौंपता। वलियों की इज्जत की रखवाली का, वलियों की हुर्मत की रखवाली का, इनकी अजमत की रखवाली का काम मैं खुद अपने जिम्मे लेता हूं। फरमाया ला अकिलु नुसरतहुम इला गैरी, इनकी मदद करना, इनकी इज्जत हुर्मत की हिफाजत करना, ये नहीं मैं फरिश्तों के सपुर्द कर दूं भी तुम ख्याल करो, नहीं, सारे काम फरिश्तों से लेता हूं मगर अपने वली की इज्जत हुर्मत की हिफाजत खुद करता हूं। इसे इमाम अबू नुएम ने और इमाम इब्ने अबी आसिम ने और बहुत सारे आइमा ने तोरो के सैया और जय्यदा के साथ रिवायत किया। यह मैंने चाहा कि इस हदीस का मजमून आज इन नए कलिमात के साथ मुकम्मल करूं कि आका अलैहिस्सलाम ने क्या क्या फरमाया इनके लिए। इसके बाद इरशाद होता है, हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि क्यामत के दिन इनका मुकाम क्या होगा। सीदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने रिवायत करते हैं, यह हदीस भी सुनन अबी दाऊद में, नसाई में, सही इब्ने हिब्बान में, हदीस सही, और फिर इमाम अबू याला की मुसनद में, इमाम बेहकी की शुअबुल ईमान में, इमाम मुनजरी की तरगीब में, यानी इमाम अबू दाऊद और नसाई और इब्ने हिब्बान से लेकर दर्जनों आइम्मा ने अपने अपने तोरुक से इस हदीस को सही कहा और लिखा। और रावी हदीस के सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला खुद फरमाते हैं قال النبي صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله لأناس, अब ये समझने वाली बात है कि औलिया अल्लाह का अकीदा रखना और औलिया की ज़वात मुकद्दसा से तमस्सुक रखना और इनकी मोहब्बत और अदब को दिलों में बसाना और इनसे जुड़ना और इनका तवस्सुल इख्तियार करना और इनसे निस्बत और इरादत रखना, ये कोई अकीदा ऐसा है जो हमने गढ़ लिया है या वो अकीदा है जो ताजदार कायनात ने खुद उम्मत को अता किया है? सीदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला उन्हें रिवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन मिन इबादिल्लाहि लउनासन मा हुम बि अंबिया अवला शुहदा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह के कई ऐसे बंदे आपको नजर आएंगे होंगे जो नबी भी नहीं होंगे और शहीद भी नहीं होंगे। तो बोली अब कौन सा तबका रह गया, नबी भी नहीं होंगे, शहीद भी नहीं होंगे। अच्छा एक मैं लतीफ बात कर दूं, किसी का ख्याल आए कि सहाबाए कराम से बात, सहाबाए कराम होंगे, सहाबाए कराम तो भाई उम्मत का सबसे ऊंचा तबका है, औलिया अल्लाह तो सहाबाए कराम के कदमों की धूल हैं, इसमें तो शक नहीं। लेकिन कोई ख्याल करे कि यहां इशारा आकल इस्लाम जो फरमा रहे से मुराद सहाबाए कराम है, नहीं, सहाबा से तो खिताब फरमा रहे हैं, आप समझे, सहाबाए कराम को तो बता रहे हैं,
अगर वो मुराद होते तो सीधा सीधा कहते कि तुम्हारी शान ये है, सीधा सीधा कहते मेरे सहाबा तुम्हारी शान ये होगी। सहाबा कराम को तो आकल इस्लाम बता रहे हैं कि मेरी उम्मत में ऐसे लोग होंगे जो ना नबी होंगे ना शहीद होंगे। यकबितुहुमुल अंबिया वश्शुहदा यौमल क़ियामत बिमकानिहिम मिनल्लाह। सहाबा कराम को बताते हैं आका अलैहिस्सलाम मजलिस में कि अल्लाह पाक क़ियामत के दिन उन्हें अपनी कुर्बत में इतनी बुलंद कदर मंजिलत के साथ बैठाएगा अर्श पर, अर्श के गिर्द गिर्द अपने सामने दाएं जानिब इतनी आला मंजिलों पर, सोफों पर, मिंबरों पर, आला मसनदों पर अल्लाह पाक इतनी शान के साथ बिठाएगा कि अंबिया और शुहदा भी रश्क करेंगे। क्यों रश्क करेंगे? ये नहीं कि उनको ये मुकाम हासिल नहीं हुआ, अंबिया का मुकाम तो सबसे ऊंचा है। रश्क इस वजह से करेंगे कि बारी ताला हमें तो तूने इतनी ऊंची मर्तबे और मसनदें दी कि हम अंबिया हैं शुहदा, ये न नबी हैं न शहीद हैं, इनको इस जगह पर इतनी ऊंची मंजिलत के साथ कैसे बिठाया? उनकी इस खुशनसीबी पे रश करेंगे कि नबी और शहीद हुए बगैर अल्लाह के इतनी कुर्बत में इतनी अजीम मंजिलत में जा बैठे, इस पर रश करेंगे उनके नसीब पर। अब जब आका अलैहिस्सलाम ने ये बात की तो सहाबा कराम बोल उठे, जिससे मैंने अख्ज किया कि वो सहाबा कराम की जमात की बात भी नहीं हो रही थी, उनका दर्जा तो अपनी जगह, वो तो वहां होंगे ही, सहाबा कराम भी वहां होंगे ही, लेकिन ये बात जो आका अलैहिस्सलाम बता रहे हैं ये जमात सहाबा की बात नहीं, ये और एक तबके की बात हो रही है। उन्होंने पूछा कालू या रसूलल्लाह तुखबिरुना मन हुम, आका अब हमें बताइए कि वो होंगे कौन, बताइए कि वो कौन होंगे वो लोग। आका अलैहिस्सलाम से सहाबा कराम पूछते हैं वो कौन लोग होंगे। अब यह हदीस जिसे सीदना फारूक आजम ने रिवायत किया, इसकी बहुत सी तफसीलात हैं इस मजमून की, यह हदीस सही हजरत अबू दरदा ने भी रिवायत किया, यह हदीस सही अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने भी रिवायत की, यह हदीस सही उबादा बिन सामित ने भी रिवायत की, यह हजरत अबू हुरैरा ने भी रिवायत की, यह हजरत अबू मालिक अल अशरी ने भी रिवायत की, इसे इमाम अहमद बिन हम्बल ने भी रिवायत किया, इसे इमाम तिरमजी ने भी रिवायत किया, और इमाम तिरमजी ने कहा काल अबू ईसा तिरमजी हाजा हदीस हसन सही, यह हदीस बड़े ऊंचे दर्जे की हसन और सही है। अब इस हदीस सीदना फारूक आजम की रिवायत के साथ हजरत अबू मालिक अशरी का मजमून साथ मिला के बता रहा हूं। सहाबा कराम ने पूछा आका बताएं ये कौन लोग होंगे। अब अबू मालिक अशरी की रिवायत, यही जो हदीस सही आई है दूसरे तरीक से, उसके लफ्ज को सुनिए, और इमाम अहमद बिन हम्बल ने रिवायत किया है कि आका अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा चुके तो सहाबा कराम से खिताब किया, फरमाया या अय्युहन्नास उस्मऊ वअकिलू वअलमू, सहाबा कराम से मुखातिब हुए, ए लोगो ध्यान से मेरी बात सुनो और जो मैं कहने वाला हूं उसे समझो, और जब समझ लो तो अच्छी तरह जान लो, महफूज कर लो। फिर फरमाया इन्ना लिल्लाहि इबादन लैसु बिअंबिया वला शुहदा, वो जो पूरा मजमून मैंने बयान किया, ऐसे अल्लाह के बंदे होंगे जो न नबी होंगे न शहीद, मगर क़यामत के दिन अल्लाह पाक उन्हें इतने बुलंद मसनदों पर बिठाएगा अपनी बारगाह कुर्बत में कि रश किए जाएंगे। अराब में से एक सहाबी खड़ा हो गया, बाकी सहाबा ने भी सवाल किए, मगर एक सहाबी ने अजब अंदाज से सवाल किया, खड़ा हो गया, आगे बढ़ा, आका अलैहिस्सलाम की तरफ हाथ उठा दिए और उठा के अर्ज करने लगा कि या रसूलल्लाह इन अत हुम लना यानी सिर्फ हुम लना वहिल हुम लना, या रसूलल्लाह जिन लोगों की आप बात बता रहे हैं उनकी जरा वजाहत कीजिए, उनकी सिफात बताइए, उनकी अलामतें बताइए, उनका हुलिया बताइए कि कौन लोग होंगे, इनकी अलामतें क्या होंगी, सिफतें क्या होंगी, इनके हवाल क्या होंगे। फसुर्रा वजह रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिसवाल अलआराबी, चूंकि आका उनकी बात कर रहे थे जिनमें उनकी अता भी शामिल है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उन औलिया की बात कर रहे थे जिनकी झोलियां आका ने भरी है,
और झोलियां भर के अताएं देकर कायनात इंसानी के मुख्तलिफ खितों में भेजा है, सल्तनतें दी हैं। चूंकि हुजूर अल्लाह और अपने महबूबों की बात कर रहे थे, औलिया की, हदीस के लफ्ज हैं फसुर्रा वजह रसूलिल्लाह। जब सहाबा में से बाजों ने इस तरह का सवाल किया, आका उनका हुलिया बताइए, उनकी अलामतें बताइए, उनकी पहचान बताइए, ताकि हम उन्हें जान सकें, तो आका का चेहरा खुशी से तमतमा उठा, खुश हो गए कि काम की बात पूछी है तुमने, अच्छी बात पूछी है, खुश हो गए। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने खुश होकर उनकी अलामतें बयान की, और अलामतें बयान करते हुए आका ने फरमाया, यदाउल्लाहु लहुम यौमल क़ियामा मनाबिर मिन नूरिन, ये वो लोग होंगे। और सार आका अलैहिस्सलाम अभी तक जिसको आप कहते हैं ना सीक्रेट रखना, क्या सीक्रेट रखना, राजदाराना तरीके से अभी बात फरमा रहे हैं, राजदाराना तरीके से अभी खोला नहीं, ताकि इश्तियाक और बढ़े, शौक और बढ़े। आका ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह ताला इनके लिए नूर के मिंबर तैयार करवाएगा। आप भी मिंबर तैयार करवाते हैं ना, क़यामत के दिन अल्लाह इनके लिए मिंबर तैयार करवाएगा, मनाबिर स्टेज तैयार करवाएगा। यहां तो आप स्टेज तैयार करवाते हैं, क़यामत के दिन रब्बे कायनात फरिश्ते कारकुन होंगे और फरिश्तों से कहेगा मेरे बंदों के लिए स्टेज बनाओ, मसनदें बनाओ, खूबसूरत सेज बनाओ, और फिर नूर के स्टेज होंगे। फयुजलिसुहुम अलैहा, जब नूर के स्टेज और मसनद बन जाएंगे तो अल्लाह पाक खुद अपनी दस्ते शफकत से इनको उन पर बिठाएगा। तो जिनके लिए क़यामत के दिन रब नूर की मसनदें सजाएगा, हम उनके लिए उर्सों पर मसनदें क्यों ना सजाएं, हम कुमकमों से उनके दरगाहों को रोशन क्यों ना करें। यह काम खुदा क़यामत के दिन करेगा, जो खुदा की क़यामत के दिन सुन्नत होगी हम वो आज कर रहे हैं। इसलिए ख्वाजा अजमेर का रोज़ा नूर से बुक्का नूर बना हुआ है, सुल्तान हिंद, ए नायब मुस्तफा, रब आपके चेहरे को मसनद को जिस तरह क़यामत के दिन नूर करेगा, उसे रब ने दुनिया में आपके रोजे को बुक्का नूर बना दिया है। ये सरकार गौसुल आज़म का रोजा हो, या हुजूर अताए मुस्तफा हिंदुल वली का रोजा हो, हजरत शाह नक्शबंद का रोजा हो, या सहर वर्द के इमाम का रोजा हो, मुजद्दद अल-विसानी का रोजा हो, या महबूब इलाही का, अरे इनके रोजे अगर हम बुक्का नूर बनाते हैं तो हमसे ना पूछो, रब से पूछो जो इनके रोजे बुक्का नूर बनाएगा। वो क़यामत के दिन बता रहा, मैं नूर का बुक्का बनाऊंगा। ये बातें को मैंने वजह नहीं की अपनी अकीदत से, या आज के दौर में ये अकीदा नहीं घड़ा, मैंने तो एक एक हवाला गिन के बता दिया है। जाके घर किताबें खोले न मानने वाले, अगर ये जितनी अहादीस बयान कर रहा हूं न मिले तो मेरी गर्दन हाजिर है, काट दो, और मिल जाए तो फकत इतनी दरखास्त है, मांग लो, और कुछ नहीं कहता, बस मान लो। अगर ये सब हदीसें मिल जाएं तो मैं और कुछ नहीं कहता, फकत मेरे ख्वाजा को मान लो, इन्हें अताए मुस्तफा मान लो, इन्हें नायब रसूल मान लो, इन औलिया की शान को मान लो, बस इतनी बात कहता, और इनकी गुलामी करो। और फिर ये बात, फिर अगली बात, मैंने मोहब्बत की बात की थी, किन से औलिया से मोहब्बत करना,
अल्लाह की सुन्नत है। अब इस पर, इसी सुन्नत पर कामिल मजमून लाता हूँ हदीस पाक। पहले बात ज़िमनन आ गई थी और हदीस फिर मुत्तफ़क अलैह, जिसका कोई इनकार ना कर सके। बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क अलैह हदीस, पहले हवाला सुन लें। सही बुखारी किताब बदअल खल्क बाब ज़िक्र मलाइका, और सही बुखारी की हदीस नंबर 3037। इससे बढ़कर तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, है बस मैंने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी। बाप बता दिया न मिले तो पकड़ लें, न मिले तो मुझे पकड़ लें, और मिल जाए तो उनका दामन पकड़ लें। बस हाय 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 हाय, बस इतनी सी बात। न मिले तो मेरा गिरेबान पकड़ लें, और मिल जाए तो इनका दामान पकड़ लें। बस ये सही बुखारी। फिर सही बुखारी के अंदर दूसरी यही हदीस किताबुल अदब हदीस नंबर 5693 को एक बार नहीं आई, बुखारी शरीफ में कई बार आई। फिर सही बुखारी की किताबु तौहीद बाबु कलाम मिर रब्बे मा जिब्रील और हदीस नंबर 7074, और सही मुस्लिम किताबुल बिर्रे वसीला हदीस नंबर 2637, और फिर मुअत्ता इमाम मालिक समेत कसीर कुतुब हदीस में। तो मैंने बुखारी मुस्लिम की बता दे दो हवाले मुत्तफ़क़ अलैह। हदीस क्या है? अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं। इस वक्त मुसीबत यह है कि पढ़ना पढ़ाना चला गया, सिर्फ गुस्सा फतवा हंगामा शोर शराबा रह गया। गुस्सा फतवा शोर शराबा हंगामा रह गया बस। और अहले सुन्नत सुन लो, अहले सुन्नत में भी खारजियत दाखिल हो रही है, जो दीमक की तरह आपके अकीदे को चाटती जा रही है। हिफाजत करो, हिफाजत करो। मशरब वो रखो जो औलिया और सूफिया का। दो चीजों पर काम हो रहा है, अहले बैत अतहार से ताल्लुक मोहब्बत का तोड़ा जाए, और औलिया ए कराम से तमस्सुक तवस्सुल तोड़ा जाए। अब हदीस सुनिए। सीदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, मुत्तफ़क़ अल हदीस, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال قال اذا احب الله عبدا। अल्लाह ताला, अब देखिए जो बात मैंने पहले की थी, लफ्ज़ ब लफ्ज़ उसका मज़मून आका अलैहिस्सलाम के इरशाद में आ गया कि अल्लाह ताला को इज़ा अहब्बल्लाहु अब्दा अल्लाह, और दूसरी बात में इज़ा अहब्बल्लाहु अब्दन, अल्लाह ताला को जब, लफ्ज़ों पे गौर करें, जब किसी बंदे से मोहब्बत हो जाती है, अल्लाह को जब किसी बंदे से मोहब्बत हो जाती है तो क्या करता है? नादा जिब्रील, तो जिब्राइल अमीन को बुलाता है, फरमाते जिब्राइल इधर आ। जिब्राइल अमीन अल्लाह के हुजूर हाजिर होते, हुक्म होता इन अल्लाह युहिब्बु फुलानन, अल्लाह ताला फरमाते हैं जिब्रील मुझे, गौर करें जुमले, मुझे उस बंदे से, जानते हो बंदा, वो जो अजमेर में है, वो जिसका नाम मुइनुद्दीन है, मुझे उस बंदे से मोहब्बत हो गई है। अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह अल्लाह फरमा रहा है जिब्राइल को बुलाकर, और ये भी नहीं कि हुक्म दे दिया आमारा हूं ना, लफ्ज है नादा, बुलाता है, पास बुलाता है। क्यों? मोहब्बत की बात राजदाराना तरीके से की जाती है, बुलाकर बात बुलाकर की जाती है, वरना बुलाने की क्या जरूरत, वहीं से हुक्म देता जिब्राइल सुनो, नहीं, ये उस बंदे की अल्लाह पाक तकरीम करवाना चाहता है, बुला के कहता है मुझे उस बंदे से मोहब्बत हो गई। तो जिब्राइल अमीन पूछते हैं बारी ताला, तो मैंने सुन लिया, अब मेरे लिए क्या हुक्म है, मेरे लिए क्या हुक्म है? अल्लाह पाक फरमाते हैं फअहबिब हो जिब्राइल, जब मुझे मोहब्बत हो गई है सो तू भी मोहब्बत कर। हाय हाय हाय,
तू भी उससे मोहब्बत कर। अब आप जिस हदीस को सुन लें तो मैं पूछूंगा एंड पर, अब आप किस किस को मोहब्बत से रोकेंगे? किस किस को मोहब्बत से रोकेंगे? फरमाते जिब्रील तू भी मोहब्बत कर। फिर आगे आकर इस्लाम ने फरमाया मुत्तफक अलैह हदीस का मज़मून, फयुहिब्बुहू जिब्रील, फिर जिब्रील भी उससे मोहब्बत करने लग जाते। तो मैं आका अलैह सलाम के फरमान के मुताबिक अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं कि अल्लाह को हजरत मुइनुद्दीन से मोहब्बत हुई, जिब्रील ने भी मोहब्बत शुरू की। देखें किस किस ने की, जिब्रील ने भी मोहब्बत की। फिर हुक्म होता है, जिब्रील पूछते हैं जिब्रील बारी ताला अब क्या करूं, हुक्म होता है फयुनादी जिब्रील फी अहले समा, अब जा आसमानों में निदा कर और मेरे महबूब बंदे के डंके बजा दे मोहब्बत के, और आसमान के हर हर फरिश्ते को बता, क्या बताऊं, इन्नल्लाह युहिब्ब फुलानन, आसमानी कायनात के हर फरिश्तों को जाके बता दे कि खुदा को इससे मोहब्बत हो गई है, हाय हाय हाय, खुदा को मुइनुद्दीन से मोहब्बत हो गई है, अरे खुदा को मुइनुद्दीन से मोहब्बत हो गई है, अरे मुस्तफा को मुइनुद्दीन से मोहब्बत हो गई है, अरे खुदा मुस्तफा को कुतुबुद्दीन से मोहब्बत हो गई है, जाके बता दे, बता दे हर फरिश्ते को, बता दे, वो जाके बता देते हैं हर एक फरिश्ते को। तो फिर क्या होता है, फयुहिब्बुहू अहलुस्समा, आसमानी कायनात सातों आसमानों में रहने वाले कुल फरिश्ते फिर इसी से मोहब्बत करने लग जाते हैं, मोहब्बत करने लग जाते हैं। सुम्मा यूदउलहुल कबूल फिल अर्द, अरे जमीन से इनकी मोहब्बत के चराग मिटाने का सोचने वालों, ये तो बाद में बुझेंगे या नहीं, पहले तो इनकी मोहब्बत के चराग आसमानों पर जलाए गए थे, पहले आसमानी कायनात में हजरत नायब मुस्तफा और नायब मुस्तफा अता रसूल की मोहब्बत के चराग आसमानों पर जा सकते हो तो जाकर बुझाओ। फिर फरमाया उसके बाद सुम्मा यूदउलहुल कबूल फिल अर्द, फिर वो मोहब्बत इनकी जो मोहब्बत है उसे जमीन पर इसके बाद उतारा जाता है, वो मोहब्बत इसके बाद जमीन पर उतारी जाती, पहले आसमान पर होती वो मोहब्बत। अब ये बुखारी मुस्लिम की मैंने मुत्तफक अलैह हदीस बता दी, अब यही मजमून इमाम तिरमजी ने भी लिया, सुनन तिरमजी किताब तफसीर कुरान बाब मिन सूरत मरियम हदीस नंबर 3161। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु रावी, इमाम तिरमजी ने रिवायत किया, लफ्ज हैं सुम्मा तंज़िलु लहुल महब्बत फी अहले अर्द, फिर अल्लाह के वली की मोहब्बत अहले जमीन में उतार दी जाती है। फजालिक कौलुल्लाह तआला इन्नल्लज़ीना आमनु वामिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा, ये अल्लाह के फरमान का माना है कि अल्लाह पाक इनकी मोहब्बतों को लोगों के दिलों में जमा देगा, रख देगा। और इमाम तिरमजी ने कहा हाजा हदीसुन हसनुन सहीहुन, और फिर हजरत सौबान भी इसी मजमून हदीस को रिवायत करते हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपने तरीक से मुसनद में लिया इसको, और मुसनद के अंदर मुसनद अहमद बिन हम्बल में यह हदीस 22,454 नंबर है इस हदीस का। वो फरमाते हैं कि यकूल हा हमलतुल अर्श व यकूल हा मन हौलहुम हत्ता यकूल हा अहलुस समावात सब्र, जब इनकी मोहब्बत के डंके बजते हैं तो इनकी मोहब्बत का तज़करा हामिलान अर्श कुल मलाइका करते हैं, अब इनकी मोहब्बत अर्श में जाती है, और फिर जो अर्श के इर्द गिर्द मलाइका मुतय्यन है वो इनकी मोहब्बत का तज़करा शुरू करते हैं, फिर सातों आसमान में इनकी मोहब्बत के चर्चे हो जाते हैं। ثم تهبط الى الارض, उसके बाद इनकी मोहब्बत जमीन पर उतारी जाती है। आप देखिए इनकी मोहब्बत के अल्लाह रब्बुल इज्जत एहतमाम कितने करता है।
कितने एहतमाम करता है इनकी मोहब्बत के रब्बे कायनात। अब जिस जिन औलिया की मोहब्बत का एहतमाम अल्लाह रब्बुल इज्जत इस तरह कर रहा हो, मुखालफतों के, अदावतों के, बदअकीदगियों के लाख चक्कर चले, उनकी मोहब्बतों के चराग कोई बुझा सकता है? नहीं बुझा सकता। अब फिर ये तो एक एंगल इनकी शान हो गई। अब सवाल पैदा हुआ आपके जहन में आएगा कि हमारा क्या होगा, ये तो सारी इनकी शान थी, ये तो हुजूर ख्वाजा ख्वाजगान नायब रसूल सुल्तान हिंद अताए मुस्तफ़ा की शान थी, ये तो कुल औलिया की, अकाबिर की, सालहीन की शान थी। अब आपके जहन में आ सकता है कि हम जो इनके नाम लेवा और इनकी दर पे आने वाले, मोहब्बत करने वाले, इनसे इरादत ताल्लुक रखने वाले, हम कहाँ ठहरे, हमारी क्या जगह है? सवाल आता है ना जहन में। अब वो भी सुनिए, आकर इस्लाम ने कोई चीज नहीं छोड़ी। अब ये भी आकर इस्लाम ने फरमाया, और अभी ये हदीस जो अभी सुना रहा हूं ये फिर मुत्तफक अलैह बुखारी मुस्लिम दोनों में जो अब सुना रहा हूं, जिसमें आपका जिक्र है, जिसमें खुद्दाम का जिक्र है, जिसमें वाबस्तगान का जिक्र है, जिसमें इरादत मंदान का जिक्र है, जिसमें मोहब्बत करने वालों, चाहने वालों और उनके तरीका उसवा पे चलने वालों का जिक्र है जिन्होंने दामन थाम रखा है। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला ने रिवायत करते हैं, हदीस मैंने आपको कह दिया, ये जो अब बयान कर रहा हूं ये भी मुत्तफक अलैह सही बुखारी किताब तौहीद बाब कौल अल्लाह तआला वुजूहुन यौमाइज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा, और सही बुखारी में हदीस का नंबर 7001 और सही मुस्लिम में भी यह हदीस किताबुल ईमान के अंदर। तो बुखारी मुस्लिम की मुत्तफक है। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला ने रिवायत करते हैं, बड़ा प्यारा जुमला मेरे आका ने फरमाया और सहाबाए कराम और उम्मत से खिताब किया और फरमाया, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایا فما انتم باشد لي اللہ پاک بیان کر رہا ہے یہ حدیث قدسی آقا نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا فما انتم باشد لي مناشده في الحق قد تبين لكم من المؤمن يوم ذل الجبار آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں دنیا میں اپنا حق لینے کے لیے اگر کوئی تمہارا حق نہ دے رہا ہو या तुम्हारा हक छीन ले तो झगड़ा करते हो ना, अपना हक लेने के लिए झगड़ा करते हो, तकरार करते हो, मेहनत करते हो। फरमाया दुनिया में अपना हक लेने के लिए तुम क्या तकरार करोगे? आका ने फरमाया लोगों अपना हक लेने के लिए तुम क्या तकरार करोगे जितना तकरार मेरे वली अपने गुलामों की बख्शिश के लिए करेंगे। हाय 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 आका ने फरमाया फमा अंतुम बिअशद्द ली मुनाशदतन फिल हक, अरे अपने हक को लेने के लिए तुमने क्या झगड़ा करना है और तुमने क्या तकरार करना है? जो तकरार मेरे वली अपने गुलामों की बख्शिश के लिए करेंगे और मेरे साथ लाड करते हुए खड़े हो जाएंगे। क्या क्या तकरार होगा? अल्लाह पाक ने फरमाया हुजूर हदीस पाक में हदीस कुदसी वइज़ा रऊ अन्नहुम कद नजौ फी इख्वानहिम, जब वो देखेंगे कि वो तो बख्शे गए, हमारा तो हिसाब व किताब ही नहीं हुआ, हमें थुक मिल गया, जाओ जन्नत में, जन्नत के वारिस बना दिए गए, इज्न हो गया कि जन्नत में जाएं, और वो मुड़के देखेंगे कि हमारे साथ हमारे दामन थामने वाले, इरादत रखने वाले, हमारे साथ ताल्लुक, इरादत, निस्बत, इत्तेबा, पैरवी करने वाले, हमारे सच्चे मुखलिस गुलाम, उनमें कई ऐसे हैं जो दूसरी तरफ भेज दिए गए, गुनाहों, कुछ गुनाह, कुछ कमजोरियां, खताएं, कुछ बदामालियां, कोताहियां, उन्हें दूसरी तरफ भेज दिया गया, जहन्नुम की तरफ। जब इनकी निगाह पड़ेगी उन पर, रुक जाएंगे, अल्लाह फरमाएगा बगैर हिसाब किताब के तुम्हें जन्नत का वारिस बना दिया, जाओ जन्नत में, ताकि तुम्हारे जन्नत में जाने के बाद हिसाब किताब बकाया हो,
ये उनको देखेंगे, हिसाब किताब हो चुका या कई कुछ हिसाब किताब हो चुका, कुछ अभी रहता है, देखेंगे कि हम जन्नत में जाने के लिए हमें हुक्म गया और हमारे कुछ लोग उधर भेज दिए गए, ये रुक जाएंगे, अर्ज करेंगे बारी ताला हम तो जन्नत में नहीं जाते। आका ने फरमाया तुम क्या तकरार करोगे हक लेने के लिए जो मेरे महबूब वली अपने गुलामों के लिए करेंगे, कहेंगे हम नहीं जाते, बारी ताला पूछेंगे क्यों नहीं जाते, यकूलूना रब्बना इख्वानुना कानू युसल्लूना माना व यसूमूना माना व यअमलूना माना, हमारे भाई हैं, हमारे गुलाम हैं, हमारी रफाकत और संगत और इरादत में रहने वाले हैं, नमाजें भी पढ़ते थे हमारी मैयत में, रोजे भी रखते थे मैयत में, अमल भी करते थे, लेकिन ये उधर पड़े, ये उम्र भर हमारे वफादार रहे, अब हमारी वफा हमें तो इजाजत नहीं देती कि इनको दोजख में छोड़ के खुद जन्नत में चले जाएं, इन्हें दोजख में छोड़ के जन्नत में चले जाएं, मौला हमारी वफा इस बात की इजाजत बोलिए नहीं देती, तो फिर क्या होगा, फयकूलुल्लाहु तआला, आका ने फरमाया अल्लाह पाक फरमाएगा अच्छा ये बात है जी, इज़हबू फमन वजदतुम फी कल्बिहि मिसकाल दीनार मिन ईमान फअख्रिजूहु, फिर अल्लाह पाक अपने औलिया से फरमाएगा, एक एक वली से जाओ, खुद जाओ, जिसके दिल में और सीने में एक दीनार के बराबर भी ईमान पाते हो अपने हाथों से निकाल के जन्नत में डाल दो, जाओ, एक दीनार के बराबर भी ईमान है, फाखिर जियो जो दोजख से निकाल के ले जाओ अपने साथ जन्नत में डाल दो। हदीस के लफ्ज सुनिए, वो जाएंगे उन्हें दोजख से निकाल कर जन्नत में ले जाने के लिए, अब जो दोजख में डाल दिए गए तो दोजख तो जला देती है ना, दोजख तो दोजख की आग है वो तो जला देती है, इधर हुक्म होगा औलिया को कि जाओ अपने हाथों से निकाल के उन्हें जन्नत में ले जाओ, इनको हुक्म देगा बारी ताला जाओ निकाल लाओ, उधर दोजख को हुक्म पहले दे चुका होगा, दोजख को हुक्म पहले दे चुका होगा, वयुहर्रिमुल्लाहु सुवरहुम अलन नार, ए दोजख इनकी बदआलमालियां कमजोरियां थी उसकी सजा देनी थी, लेकिन खबरदार मुझे इल्म है कि मेरे वलियों ने इनको छुड़ाना है और जन्नत में ले जाना है, लिहाजा खबरदार इनके चेहरों को न जलाना ताकि मेरे वलियों को इन्हें पहचानने में दुश्वारी ना हो, अल्लाह दोजख पे हराम कर देगा कि इनके चेहरे न जलाएं, फयातूनहुम वबअदुहुम कद गाब फिन्नार इला कदमही वइला अनसाफ साकई, तो वो देखेंगे जाके कि दोजख की आग बाजों के सिर्फ कदमों तक पहुंची, बाजों की पिंडलियों तक पहुंची, और दोजख की आग को हुक्म नहीं दिया कि ऊपर जिस्म को जलाने के लिए ऊपर जाए, रोक रखा है ताकि मेरे वली जाएं इन्हें अपने गुलामों को गुनागार गुलामों को पहचानने में मुश्किल न हो, तो लिहाजा हुक्म होगा वो जाएंगे फयुख्रिजून मन अरफू, अब वो जवाब दें कहने वाले कि सिर्फ अमल से बात बनेगी और निस्बत औलिया से बात नहीं बनेगी, अब उनके अमाल तो उन्हें दोजख में ले गए थे, अमाल तो उन्होंने दोजख में गिरा दिया था, अब बोलिए दोजख से निकाल के जन्नत में कौन ले जा रहा है, अमल ले जा रहे हैं या वली ले जा रहे हैं, फरमाया फयुख्रिजून मन अरफू, वो औलिया जिन जिन गुलामों को पहचानेंगे निकाल निकाल के जन्नत में भेजते जाएंगे, फिर वापस आएंगे सुम्म यऊदून, वापस आएंगे देखेंगे अभी फिर कुछ रह गए हैं, अल्लाह पाक फरमाएगा उनकी तरफ देखकर कि इनके दिल में है कि बारी ताला कुछ और रह गए हैं जिनके अंदर दीनार भर ईमान नहीं था जरा कम था, हुक्म होगा इज़हबू दोबारा जाओ, फमन वजदतुम फी कल्बिही मिसकाल निस्फ दीनारिन फख्रजू, जिनके दिलों में आधे दीनार जितना ईमान है उनको भी निकाल के जन्नत में ले जाओ, तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता, वो वली जाएंगे फिर पहचान कर आधे दीनार के बराबर भी ईमान किसी का होगा उनको भी जन्नत में ले जाएंगे, लफ्ज हदीस से फयुख्रिजून मन अरफू, फयुख्रिजून मन अरफू,
जिन जिन को पहचानेंगे उन्हें जन्नत में ले जाएंगे। और फिर हदीस के लफ्ज हैं सुम्म यऊदून, फिर पलट के आएंगे। अल्लाह पाक उनके चेहरों को देखेगा, अल्लाह जानेगा कि अभी भी इनके दिल में है कुछ लोग और भी रह गए, अभी रह गए। अल्लाह पाक फिर फरमाएंगे फयकुलु इज़हबू, मेरे महबूब वलियो फिर जाओ। फमन वजदतुम फी क़ल्बिही मिसकाल ज़र्रतिन मिन ईमान, जिसके दिल में एक जर्रे के बराबर भी ईमान है, फाखर जू है हुक्म उन्हें भी निकाल के जन्नत में ले जाओ। मैंने जन्नत बनाई क्योंकि लिए है, अगर तुम खुश रहे तो मैंने किसको जन्नत में भेजना है, तुम्हें खुश करना है निकाल के ले जाओ जन्नत में। अब मुझे देख बताइए, मैं उम्र भर अगर औलिया के गीत गाया हूं और गाता हूं और औलिया के मोहब्बत के चराग दिलों में जलाता हूं, तो मेरा कोई मन घड़त अकीदा है? मैंने सिवाय इसके एक कलमा नहीं बोला जिसकी तालीम मुस्तफा ने न दी। अगर कोई और मुस्तफा की तालीम और तलकीन को भूल चुका है तो उसका नसीब। हम तो आका के भूले हुए फरमान को दोबारा जिंदा कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि अमल जिनके दोजख में उन्होंने ले गए थे उनकी औलिया से निस्बत पहचान कर करके वली निकाल के जन्नत में ले जाएंगे। और लफ्ज बार बार फरमाया, तीसरी बार फिर वयुखरिजून मन आराफू, जिन जिन को पहचानेंगे उनको निकाल के ले जाएंगे। अब बार बार मेरे आका और अल्लाह पाक ने जो हदीस कुदसी और आका फरमा रहे हैं वयुखरिजून मन आराफू वयुखरिजून मन आराफू वयुखरिजून मन आराफू, जिन जिन को पहचानते होंगे निकाल के जन्नत में ले जाएंगे। ये बार बार पहचान का लफ्ज क्यों आया? सुने, हदीस पाक में आता है, हदीस पाक में आता है, मर्द मोमिन जब वफात पा जाता है तो जो उनकी कब्र पे आके सलाम करता है वो कब्र पे आके सलाम करने वाले को पहचानते हैं। मेरी बात को समझे, मैं कहां ले जा रहा हूं, मैं क्या समझाना चाहता हूं। वो कब्र पर आने वाले और सलाम करने वाले को पहचानते हैं और सलाम का जवाब देते हैं। इसलिए आशिकों, इनके दरगाह पर आते जाते रहा करो। इसलिए जितने बार आओगे, बार बार आओगे, तुम्हारे चेहरे की पहचान हो जाएगी। और जिन जिन की पहचान हो जाएगी बताए मुस्तफा, उनको निकाल के ले जाओगे जन्नत में, उनको निकाल के ले जाएंगे जन्नत में। याद रख लें, बैठिए। वाह 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 वाह। आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी को सोचिए, अगर कोई आदमी आपको 10-15 साल मिला ही ना हो, 10-15-20 साल गुजर जाएं और उसके बाद देखें तो बाज़ुकात बंदा नहीं पहचानता ना, क्या नहीं पहचानता, तो आप क्या कहते हैं? बेटे आना जाना रखा कर, आना जाना रखा कर, आते जाते रहे तो पहचान रहती है और आना जाना छोड़ दें तो पहचान भूल जाती है। अरे अल्लाह के बंदो, वलियों की दरगाहों पर आते जाते रहा करो। जितनी कसरत से औलिया की दरगाहों पर आओगे जाओगे तुम्हारी पहचान हो जाएगी और ये पहचान कयामत के दिन कायम होगी। फिर यखरजून मन आराफू, जिस जिसको अता मुस्तफा हिंदर मुल्क हजरत सुल्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी, जिस जिसको पहचानेंगे निकाल ले जाएंगे जन्नत में। और अगर आप नहीं आना जाना छोड़ दिया तो अपनी पहचान खुद खत्म कर ली, और जब पहचान न रही तो फिर शिकवा क्या? पहचान न रही तो फिर जलते रह जाओगे, पहचान न हो गई तो जलते रह जाओगे, पहचान हो गई तो निकाल लिए जाओगे।
अब मैंने आपको कोई कमज़ोर किताब हदीस की और कमज़ोर सनद की हदीस नहीं बताई, मुत्तफ़क अलैह बताई है। उठा के हर एक को कह रहा हूं जाके सही बुखारी भी पढ़ लें और सही मुस्लिम भी पढ़ लें। कहते हैं औलिया का इनसे निस्बत और इरादत का क्या फायदा, ये फायदा है जो मेरे मुस्तफ़ा ने बतवाया। इसलिए इरादत रखते हैं, इसलिए ताल्लुक रखते हैं, इसलिए आते जाते हैं दरगाह पे सलाम करते हैं कि जो जितना ज्यादा आता जाता रहे सलाम करता रहे पहचान उतनी ज्यादा हो जाती है। और इनका मनसब क्या होगा, इनकी शान कयामत के दिन देखने वाली होगी। फिर मुत्तफक अहले हदीस से एक और दे रहा हूं, आज जब मुत्तफक अलैह से निकले ही नहीं, मुत्तफक अलैह से निकले ही नहीं ताकि कोई मुत्तफिक हुए बगैर रह ही ना सके। हमने हर हदीस मुत्तफक अलैह दी ताकि किसी की जुर्रत न रहे कि मुत्तफिक ना हो, और फिर भी मुत्तफिक नहीं होता तो अल्लाह मालिक है। अब हजरत सहल बिन साद सायदी रजी अल्लाह तआला ने रावी हैं, हदीस बता रहा हूं। फिर मुत्तफक अलैह हवाला ले लें, सही बुखारी किताब रिकाक बाब सिफत जन्नत वन्नार और बुखारी शरीफ में हदीस का नंबर 6187 और इसी तरह फिर हदीस का नंबर 6177 पर भी सही मुस्लिम किताबुल ईमान बाबु दलील अला दुखूल तवाइफ मिन अल मुस्लिमीन अल जन्ना बगैर हिसाब वला अजाब हदीस नंबर 219 बुखारी मुस्लिम दोनों के हवाले दे दिए मुत्तफक अलैह। अबू हाजिम रिवायत करते हैं हजरत सहल बिन साद रजी अल्लाह तआला अन्हु से, अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال لا يدخل خلن الجنة من امتي 70 الف او 700 الف لا يدري ابو حازم ايهما قال। कहते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत में से 70,000 लोग, कितने 70,000, और कहते हैं अबू हाजिम के या शायद फरमाया 7,00,000 लोग। आका ने फरमाया 70,000 और फरमाते हैं या फरमाया 7,00,000, ये लफ्ज बुखारी मुस्लिम के दोनों हैं। 70,000 या 7,00,000 लोग फरमाते हैं बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। और क्या होगा ये 7,00,000 लोग कैसे जाएंगे, शान क्या होगी? आप पूछते हैं सिलसिला क्या होता है, आप पूछते हैं ये सिलसिला क्या है, ये चिश्ती मशायख औलिया का सिलसिला है, ये कादरी मशायख औलिया का सिलसिला है, ये नक्शबंदी मशायख और औलिया का सिलसिला है, ये क्या होता है सिलसिला? आओ ये भी आका से पूछ के बता देते हैं क्या होता है, आका से पूछ के बता देते हैं। और जिसको समझ ना आए वो क्यामत के दिन देख लेगा, वहां समझ आ जाएगी। आका ने फरमाया 7,00,000 लोग, 70,000 या 7,00,000 बगैर हिसाब किताब जन्नत में कैसे जाएंगे? मुतमासिकूना आखिज़ुन बादुहुम बादा, हदीस के लफ्ज वो 7,00,000 के 7,00,000 70,000 इस तरह एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर खड़े हो ना, ऐसे तरीका समझाऊं, ऐसे हाथ डालकर आप भी जरा खड़े हो, आगे भी हाथ हाथ मिलाएं, मैं आपको हदीस पाक का माना अमलन बताता हूं, पढ़े पकड़े हाथ, हाथ से हाथ जोड़े करें ऐसे। आका ने फरमाया मुतमासिकून आखिज़ुन बादुहुम बादन, एक दूसरे के हाथों में उंगलियां डालकर, हाथों में हाथ उंगलियों में उंगलियां डालकर सारे जंजीर सिलसिला बना के खड़े होंगे, सिलसिला बनाकर। तो जब सिलसिला कतार बनी होगी तो कोई तो सबसे पहला भी होगा ना, हाय हाय हाय, कोई तो सबसे पहला भी होगा, वो जो सबसे पहला है चिश्तिया फैज का पूरे औलिया का वो ये हैं, वो ये हैं, बैठिए बैठिए, वो बगदाद में हैं, सिदना गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी, वो बुखारा में हजरत शाह नक्शबंद, वो सुहरवर्द में हैं, वो मिस्र में हैं इमाम शाजली,
तो हर एक सिलसिले का वो जो हाथों में हाथ बांध के सिलसिला जंजीर बना के खड़े होंगे उनका एक पहला होगा। ये जो पहले आज आज हम पहले के पास आए बैठे हैं, हाय हाय हाय, हम पहले के पास आए बैठे और इस पहले के साथ इसके सिलसिले जंजीर में हाथ डाल के जकड़े बैठे हैं। अरे पहले हम आपके जंजीर में जकड़े बैठे हैं, क्या होगा? ला यदखुलु अव्वलहुम, ला यदखुलु अव्वलहुम हत्ता यदखुल आखिरहुम। उस सिलसिले का पहला फर्द जो बानी है, आका ने फरमाया वो उस वक्त तक जन्नत में कदम नहीं रखेगा जब तक जंजीर का आखिरी लफ्ज भी जन्नत में ना जा रहे। हाय 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 हाय, बोलिए क्या रह गया बाकी, बाकी क्या रह गया? फैसला कर लो, या अकीदे बनाने हैं अपनी मर्जी से, जो आपका दिमाग कहे, मन कहे, नफ्स कहे, जो आपकी अपनी तबीयत कहे, या अकीदे तबीयत से बना लो या अकीदे फरमाने मुस्तफा से बना लो। अगर अपने मन से अकीदे बनाओगे बर्बाद हो जाओगे। अपने मन के अकीदों के बर्तन तोड़ दो, जो मुस्तफा ने कहा उसमें रखी जा रहा है। आका ने फरमाया ला यदखुलु अव्वलहुम हत्ता यदखुल आखिरहुम। उस जंजीर का पहला फर्द उस वक्त तक जन्नत में कदम नहीं रखेगा जब तक उसकी जंजीर का आखिरी शख्स भी जन्नत में ना जा ले। आखिरी तक को डालकर जन्नत में देखेगा, मुड़ के मेरा कोई रह तो नहीं गया, मेरा कोई पीछे नहीं रह गया। गुलाम खुद्दाम कहेंगे, खुद्दाम सरकार अब कोई नहीं रह गया। उसके बाद कहेंगे मौला तेरा शुक्र, जन्नत में जाएंगे, फिर जन्नत में जाएंगे। और फिर अब समझ गए क्यों जोर देता हूं कि आते जाते रहा करें। क्या? आते जाते रहा करें। अब अगली हदीस, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजरत अनस इब्ने मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो हदीस जो 70,000 का बाब बुखारी मुस्लिम में बार बार आया, फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने यदखुलुल जन्नत मिन उम्मती 70,000 बगैर हिसाब किताब के। ये पहले दर्जे वाले, अव्वल दर्जे वाले 70,000 होंगे। फरमाया 70,000 मेरी उम्मत के लोग अल्लाह ने मुझसे वादा किया बगैर हिसाब व किताब जन्नत में जाएंगे। जब आका अलैहिस्सलाम ने आकर ये बात सुनाई, सहाबाए कराम को सुनाई, ये खुशखबरी सुनाई सहाबाए कराम को, तो सहाबाए कराम बोले आका या रसूलल्लाह जिदना, ये थोड़े हैं, आका बढ़ा दीजिए। हाय हाय, अब सहाबा का अकीदा देखिए, बड़ा ख़ास नुक्ता। हम कहते हैं कि आका के इख्तियार में कुछ नहीं, आका के, और सहाबा के अकीदे देखिए, लफ्ज़ हैं जब आका ने फरमाया कि मेरी उम्मत के 70,000 लोग बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे। ये मुसनद अबू याला में हदीस आई, हदीस नंबर 3783, इसके इसनाद हसन हैं। और इसको हाफिज इब्ने कसीर ने कई तुरक से तफसीर इब्ने कसीर में इन हदीसों को जमा किया और काला, हाफिज इब्ने कसीर ने कहा हाजा इसनादुन जय्यदुन वरिजालुहु कुल्लुहुम सिकात, इस हदीस के सारे रिजाल सिका हैं और इसकी सनद जय्यद है, हाफिज इब्ने कसीर ने कहा। और बहुत सारी कुतुब हदीस में सहाबा कराम ने अर्ज किया जिद ना या रसूल अल्लाह, अकीदा देखिए, अर्ज किया आका बढ़ा दीजिए। इसका मतलब है उनका अकीदा था कि हुजूर अलैहिस्सलाम मालिक व मुख्तार हैं जन्नत के, इख्तियार में है, इसलिए अर्ज करें आप बढ़ा दीजिए। तो आका अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये नहीं फरमाया कि मैं कौन होता हूं बढ़ाने वाला, ना, दरख्वास्त सुन के फरमाया हां قال لكل رجل 70,000, 70,000 वो होंगे। फिर ये ऐसे हैं कि उनमें से हर एक को मजीद 70,000 का कोटा दिया जाएगा। हाय हाय हाय,
उनमें से एक एक को अलग 70,000 का कोटा दिया जाएगा। पहले एक और हदीस, पहले 70,000 होंगे, फिर फरमाया हर एक हजार के साथ 70,000 होगा, और फरमाया उनमें से फिर एक एक फर्द के साथ मजीद 70,000 होगा। अब इस सारे को मल्टीप्लाई करें तो बात करोड़ों अरबों में चली जाती है, करोड़ों अरबों में चली जाती है। अब गोरख धंधा करने वाले आशिकों ने तो सारों ने चले जाना है, हुजूर के गुलामों ने। ये मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीसे सहिया आपके सामने इसलिए रखी, कुतुब सियासत्ता से ही नहीं सिर्फ बल्कि बुखारी मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस रखी, ताकि बुनियादी तसव्वुर अकीदे का वाज़े हो जाए, बुनियादी तसव्वुर कि अगर औलिया के साथ हम निस्बत और इरादत रखते हैं तो ये हमारा अपना मनगढ़ंत कोई अकीदा नहीं, और उसके फवायद हैं, उसके मुनाफे हैं, उसकी बरकात हैं, और आका अलैहिस्सलाम के इरशादात हैं। अब जब आप पूरी बुनियाद सुन चुके, समझ चुके, पूरी बुनियाद आका अलैहिस्सलाम की, अब वो जो सलातीन हैं जो पकड़ के जन्नत में ले जाने वाले, उनमें से सुल्तान, सुल्तान उल हिंद, उनमें से नायब मुस्तफ़ा, उनमें से अताए रसूल, ख्वाजा ख्वाजगान, हुजूर सैयदना व मुर्शिदना व हादीना व मुनीमना व मोहसिनना, सैयदना मुइनुद्दीन हसन संजरी अजमेरी हसनी हुसैनी रजी अल्लाह ताला अन्हु। अब उनका तज़किरा आपको सुना देता हूं, अब थोड़ी इनकी दास्तान हयात सुनते हैं और फिर इनके कुछ अहवाल सुनते हैं। अब गुम हो जाएं 800 साल जरा पीछे चले जाएं और उनके जमाने में ले जाएं और दास्तान हयात को सुने। वो जिनको इज्न और इख्तियार है कि रत्ती बराबर भी ईमान है, काफिर मुशरिक नहीं, निकाल के ले जाएंगे जन्नत में, उनमें सुल्तान हिंद नायब मुस्तफ़ा रजी अल्लाह ताला अन्हो। हुजूर की पैदाइश होती है 14 रजब 530, और बाज़ कुतुब में 535 तक कभी जिक्र आया। 18 अप्रैल बनती है, 1139 ईस्वी बनती है। ये अल्लामा इकबाल के उस्ताद थे सर टी डब्ल्यू आर्नल्ड, वो द प्रीचिंग ऑफ इस्लाम के अंदर जो हिसाब लगा के तहकीक के साथ लिखा, बाकी शेख अब्दुल हक मुद्दिस दहलवी ने अखबारुल अखियार में और सैयरुल आरिफीन में और दीगर बहुत सी कुतुब में जो तज़किरा निगारों ने बयान किया। पैदाइश, हुजूर ख्वाजा ख्वाजगान गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु की दो रिवायतें आती हैं। एक रिवायत के मुताबिक आपकी पैदाइश ईरान के सूबा और इलाका सीस्तान में हुई, और सीस्तान में एक गांव था हेरात के करीब, उसका नाम था संजर, जिसकी वजह से, और सीस्तान बड़ा इलाका था, उसके करीब यह सरसब्ज व शादाब संजर था, जिसकी वजह से आपको संजरी कहते हैं। एक दूसरी रिवायत भी है, दूसरी रिवायत बहुत सी कुतुब में ऐसी भी आई है कि आपकी विलादत सजिस्तान में हुई, सजिस्तान बसरा के करीब इराक में एक गांव था। इमाम अबू दाऊद, जिनकी सियासत्ता की हदीस की किताब सुनन अबी दाऊद है, वो भी सजिस्तान के थे, और उस नस्बत से अरब लोग उसके रहने वाले को सिजजी कहते थे। एक कौल है कि सजिस्तान और सिज़ जो है ये खरासान ईरान के सूबे में था, और एक कौल है कि ये हेरात और काबल के दरमियान अफगानिस्तान के खित्ते में था। तीन कौल हैं, मगर मारूफ और मकबूल कौल वो सिजिस्तान की बजाय सीस्तान के संजर का है, इसलिए आपका इसमें पाक मारूफ अबू हजरत मुइनुद्दीन हसन संजरी रजी अल्लाह ताला अन्हु। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अपने वालिदैन की तरफ से नजीबुत्तरफैन सैयद हैं। अब आप, मैंने अर्ज किया, अब ये वो हिस्सा है जिसकी बेशतर चीज़ें आपको मालूम होंगी,
मगर सिर्फ आपको नहीं सुना रहा, ये हिस्सा पूरी दुनिया को सुना रहा हूँ, शर्क से गर्ब तक। जो नहीं जानता उसे बताना चाहता हूँ कि ये हैं कौन। आगाही होनी चाहिए हर एक को इनके मुकाम से। तो उस जगह से आपका ताल्लुक था वालदा माजदा की तरफ से, वालदा माजदा की तरफ से आप हसनी सैयद थे, और आपकी वालदा माजदा जाके इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ, उनका शजरा नसब कुछ वास्तों के साथ मिलता है। और वालिद गरामी जिनका इसमें पाक था सैयद गयासुद्दीन, वालिद की तरफ से आप हुसैनी सैयद थे, और आठवीं पुश्त में इमाम मूसा काजिम के साथ जाके मिलते हैं। ये ख्वाजा गरीब नवाज का नसब है, हसनी भी हैं हुसैनी भी हैं। आप समझ गए नजीबुत्तरफैन, यही इसी तरह नजीबुत्तरफैन हुजूर सिदना गौसुल आजम भी नजीबुत्तरफैन है, हसनी भी हुसैनी, जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत विलायत का शहनशाह बनाना चाहता है और औलिया का सुल्तान बनाना चाहता है, वो दोनों सोतों से उनको सियादत का फैज भी दे देता है। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज हसनी और हुसैनी सैयद हुए नसब पाक के एतबार से। उसके बाद आपके वालिद गरामी 15 साल आपकी उम्र मुबारक थी जब उनका विसाल हो गया, और आप यतीम होके दुर्रे यतीम हो गए, गोहरे नायाब हो गए, ऐसों का जिनको बहुत बड़ा बनाना हो जल्द साए उठा लिए जाते हैं, आकल इस्लाम की सुन्नत पे अमल कराया जाता है। और आपका जमाना वो है जब चंगेजियों का हमला हुआ, चंगेज खान का, वस्त एशिया से उठे 1216 हिजरी में 60,000 वैशी तातारियों को लेकर, और सबसे पहले आके तुर्किस्तान को ताख्त ताराज किया, फिर ईरान को ताख्त ताराज किया, आखिर में जाके इराक और बगदाद को ताख्त ताराज किया। तो जब तुर्किस्तान ईरान पर आए चंगेजी हलाकत करते हुए, तो संजर का जो सुल्तान था बादशाह और सिस्तान का, उनके साथ फिर खारजमियों की और उसके सुल्तान की जंग हुई, हमले हुए, सुल्तान संजर को शिकस्त हुई, खून खराबा हुआ, और आपके वालिद गरामी हजरत सैयदना गयासुद्दीन हुसैनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी औलाद को और अपने कबीले को लेकर खरासान ईरान के सूबे में मुंतकिल हो गए, सिस्तान से खरासान मुंतकिल हो गए, वहां क़याम फरमा हुए। 15 बरस उम्र मुबारक थी कि मैंने अर्ज किया वालिद गरामी का साया सर से उठ गया, साहिब सैयरुल अक्ताब ने इसकी तफसील दी। जब आप दुर्रे यतीम होते हैं तो वरासत में दो चीजें मिली, एक बाग और एक पन चक्की। सोने का चम्मच लेके नहीं पैदा हुए, आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, अंबिया की सुन्नत है, अहले बैत अतहार की सुन्नत है, सहाबा कराम की सुन्नत है, अकाबर औलिया की सुन्नत है। बाग और पन चक्की लेके घर का खर्च चलाने लगे, और एक रोज मादरजाद वली थे हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज, मगर मादरजाद वली को फिर तरबियत के मराहल से, जब हीरा होता है तो उसको निखारा जाता है, सोना होता है तो कुठाली में डाल के उसे बनाया जाता है, उसकी चमक दमक निकाली जाती है। तो आप अपने बाग में एक रोज थे, तो हजरत इब्राहिम कंदूजी मजजूब वो आए आपके बाग में, आपने अंगूर पेश किए, उन्होंने एक निगाह से पहचान लिया कि जवान मादरजाद वली है, ये पहचान गए कि आरिफ मजजूब है। अंगूर खाए, मुंह में चबा के कोई चीज आपको दी। सैयरुल आरिफीन में आता है कि मादरजाद वली तो पहले थे मगर मजजूब का वो तबर्रुक लेकर तौहीद की आग भड़क उठी, भड़क उठी जवानी में, और फिर घर से चल पड़े। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज समरकंद और बुखारा गए। जिन लोगों का ये ख्याल है कि ये औलिया, और खास तौर पर हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज और हजरत कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी और बाबा फैदुद्दीन गंज शकर और ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया और ये कुल औलिया तमाम तुरुक के, जिनका ख्याल खाम है और वहम बातिल है,
कि इनकी जोहद वरा रियाजत मुजाहदा और करामतें तो होती हैं मगर तफसीर हदीस फिक्र इल्म दीन में इनका मुकाम बुलंद नहीं होता। ये मुगालता दूर कर लें, ये कुल औलिया ये आइमा हदीस भी थे, आप फकीह भी थे, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज मुहद्दिस भी थे, आप मुतकल्लिम भी थे, इमाम अकीदा भी थे, उलूम ज़ाहरी के भी इमाम थे, उलूम बातनी के भी इमाम थे। समरकंद और बुखारा गए, वहां एक जमाना गुजार कर उलूम ज़ाहरी में तकमील की और सर्फ और नहव पढ़ी, फिक और उसूल फिक की किताबें पढ़ी, हदीस और उसूल हदीस पढ़ी, तफसीर उसूल तफसीर पढ़ी, कुल उलूम दीनिया शरिया ज़ाहरिया में तकमील हासिल की। मौलाना हुसामुद्दीन आपके असातिज़ा में से एक नाम आता है, एक मौलाना मुशर्रफुद्दीन का नाम आता है। बेशतर तफसीलात कुतुब में महफूज न रही कि तातारियों ने सब कुछ तबाह कर दिया। आपको मालूम होना चाहिए कि जब तातारी बगदाद पहुंचे तो कुल कुतुबखाने नजरियाते और दरियाए दजला में गिरा दिए। दरियाए दजला का एक किनारा 3 दिन तक 23 लाख मुसलमानों के खून से सुर्ख होके बहता रहा और एक किनारा मुसव्वदात और किताबों के मखतूतों की स्याही से स्याह होके बहता रहा, कोई किताब ना छोड़ी। तो बहुत तफसीलात असातिज़ा के नामों की नहीं मिलती मगर साल हा साल गुजार के आपने तमाम उलूम दीनिया ज़ाहरिया में तकमील की और इतनी तकमील की जो बताना चाहता हूं। सैयद हाशिम फतेहपुरी वो बयान करते हैं कि उन्होंने कुतुब खाना आसफिया में अपनी आंखों से देखा है, एक मुहद्दिस का कौल लिखा हुआ। वो लिखते हैं कि हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज 3 बरस तक मदीना पाक में दरस हदीस देते रहे। अब मालूम नहीं कितनों को ये खबर मालूम नहीं होगी, बताना चाहता हूं कि ख्वाजा गरीब नवाज अताए मुस्तफा हिंदुस्तान दर्श देने बाद में आए, ये मुहद्दिस मदीना हैं, ये मुहद्दिस मदीना पाक में 3 साल तक हदीस का दर्श देते रहे। और सरजमीन मदीना में हदीस का दर्श देना उस जमाने में जो आइमा उलमा मुहद्दिसीन का दौर था कोई मामूली बात न थी। इनसे दर्श लेने वाले आम्मतुन नास लोग नहीं थे, आपके हल्के दर्श में कितने आइम्मा उलमा फुकहा मुहद्दिसीन मुतफन्निनीन और मुतमस्किन बैठते होंगे, मुतमक्किनीन बैठते होंगे। उसके बाद फिर आप तलाश मुर्शिद में निकल पड़े और तलाश मुर्शिद में निकले तो नैशापुर में कस्बा था हरवन, वहां आए तशरीफ लाए तो हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी मिले रजी अल्लाह तआला अन्हु। बहुत सिलसिला चिश्तिया के, चिश्तिया चिश्त का नाम तो पहले भी था चिश्ती का मगर उसको 4 चांद ख्वाजा गरीब नवाज ने लगाए। तो उनसे बैत की और आपने बैत हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के दस्त अकदस पर जब की है तो उस वक्त वो बगदाद में मुकीम थे। हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी नैशापुर से मुंतकिल होकर बगदाद शरीफ में मुकीम थे और जब हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज पहुंचकर बैत करते हैं तो सन था 562 हिजरी। क्या सन था? 562 हिजरी। आपके बगदाद शरीफ में वारिद होने से 1 साल कबल हुजूर सीदना गौसुल आजम रजी अल्लाह तआला ने विसाल फरमा चुके थे। 561 हिजरी में हुजूर सीदना गौसुल आजम का विसाल होता है, 562 हिजरी में हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज बगदाद शरीफ पहुंचते हैं। उम्र मुबारक 25 बरस के लगभग है। ख्वाजा उस्मान हरवनी की खिदमत में हाजिर होकर फिर उनके साथ चलते हैं और खिदमत मुर्शिद में उनका बिस्तर उठाए उठाए फिरते हैं। 20 साल तक अपने शेख की खिदमत की, 20 साल तक खिदमत की अपने शेख की। और हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के हवाल पर मुतमद तरीन और मोतबर तरीन किताब जिससे ज्यादा सिका किताब कोई नहीं, वो सैयरुल औलिया है।
जो हुजूर ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के ज़माने के करीब लिखी गई, सबसे अव्वल, सबसे ज़्यादा सीखा, और वो सैयदुल औलिया के जो खुद जो मुसन्निफ़ हैं वह हज़रत ख्वाजा किरमानी हैं, हामिद बिन फजलुल्लाह जमाली अल किरमानी। हुजूर ख्वाजा महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के करीब ज़माना, ये मोतमद तरीन किताब है। तो फरमाते हैं कि 20 साल खिदमत की और ख्वाजा उस्मान हरवनी ने फरमाया, मुइनुद्दीन तुम्हारा काम पूरा हो गया, तुम्हारा काम, और आपने खिरका खिलाफत अता फरमाया। फारसी की किताब सैयदुल आरिफीन में आया है। और अब हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज को लेकर हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी हरमैन चलते हैं, जहां अताए मुस्तफ़ा होने वाले हैं, जहां हिंद की सुल्तानी मिलने वाली है, जहां नायब मुस्तफ़ा होने वाले हैं, हरमैन शरीफैन चलते हैं। साहिब सैयदुल अक्ताब बयान करते हैं कि जब मक्का मुजमा पहुंचे तो आपके पीर मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आपको लेकर हतीम में काबतुल्ला की मिजाब रहमत के नीचे खड़े अर्ज करते हैं कि बारी ताला मेरे मुइनुद्दीन को कबूल कर ले। गैब से निदा आई, गैब से निदा आई उसी मुकाम हतीम पर कि मुइनुद्दीन हमारा दोस्त है, हमने इसे अपने मकबूल महबूब और बरगुजीदा बंदों में शामिल कर लिया, शामिल कर लिया। ये अल्लाह पाक की तरफ से इज्न व बिशारत पाकर फिर मदीना तैयबा हाजिर होते हैं। मदीना तैयबा आका अलैहिस्सलाम की बारगाह अकदस में हाजिरी देते हैं, और हाजिरी देकर फिर हजरत गरीब नवाज को उनके शेख हुजूर की बारगाह में पेश करते हैं और अर्ज करते हैं, मुइनुद्दीन आका को सलाम कर, आका को सलाम पेश कर। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम अर्ज करते हैं और आका की बारगाह से जवाब आता है, वालेकुस्सलाम या कुतबल मशाय, मुइनुद्दीन तुझ पर सलाम हो, तुझे कुतबियत का मुकाम अता कर दिया मशाय। और कुतबियत सुन लें विलायत का आखिरी दर्जा है। आप समझते हैं गौस आखिरी मुकाम होता है, सुन लें, आप समझते हैं गौस आखिरी मुकाम होता है, दुरुस्त करें इल्मी बात को, कि विलायत का आखिरी मसनद आखिरी दर्जा और रुतबा कुतुब होता है, कुतुब होता है। कुतबियत पे विलायत का इर्तिका खत्म हो जाता है। कुतुब फिर कभी तीन होते हैं, कभी पांच, और आखिरी हद सात होते हैं। उन तीन या पांच या सात कुतुबों में से जो सीनियर मोस्ट होता है उसको उन कुतुबों के ऊपर मुंतजम आला बनाया जाता है, होता वो कुतुब है मगर उसकी सीनियरिटी की वजह से उसे गौस का टाइटल देते हैं। तो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज या जितने भी विलायत के आखिरी दर्जे पर पहुंचे कुतबियत में से उन्हें गौस का दर्जा अता किया। और हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज, मैं जिस किसी को इख्तलाफ हो फिर माजरत के साथ, तो यह फकत गौस नहीं, ये वो गरीब नवाज हैं, ये वो कुतुब हैं, ये वो कुतुबुल मशायख हैं, ये वो गौसुल औलिया हैं, जो खुद गौस नहीं बल्कि कई गौस बनाने वाले हैं, ये कुतुब बनाने वाले हैं, ये गौस बनाने वाले हैं। खुदा की कसम कितने ने गौसियत की भीख ली होगी, कितने गौस बन के गए होंगे, कितने कुतुब बन के गए होंगे। ये अगर किसी को ख्याल आए कि ये खुद्दाम मुतवस्सिलान अकीदत मंदान इनको अताए रसूल क्यों कहते हैं, ये अताए रसूल का टाइटल हिंदुस्तान में तैयार नहीं हुआ, ये बारगाह मुस्तफा से अता हुआ है, ये टाइटल अता किया गया है आपको, हिंदुस्तान अता कर दिया। तो यहां मैं इसके दो माने बताना चाहता हूं, दो माने बताना चाहता हूं।
हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के लिए पूरा हिंद अताए रसूल है। बड़ी खास बात है, ख्वाजा गरीब नवाज के लिए पूरा हिंद अताए रसूल है और हिंद के लिए ख्वाजा गरीब नवाज अताए रसूल है। वो इधर से भी अताए रसूल है, उधर से भी अताए रसूल है। इस वजह से आप नायब उन नबी बन के आए यहां, फिर वापस आ गए। उसके बाद आकर इस्लाम की बारगाह से आपकी तलबी दोबारा हुई एक जमाने के बाद। अब दूसरी मरतबा अकेले हाजिर होते, पहली बार शेख साथ हैं, ख्वाजा उस्मान हरवनी। आप हरवनी के लफ्ज से शायद कुछ हैरान हो रहे होंगे, जिनको आप ख्वाजा उस्मान हारूनी कहते हैं, बस ये लिखते लिखते चलते चलते जुबान जद खास आम हारूनी हो गया। असल में कस्बा हरवन था, असल नाम है ख्वाजा उस्मान हरवनी। अब गलतुल आम हो जाता है फिर उसको मकबूल करार देते हैं। जब गलतुल आम हो जाए और हर कोई सदियों से उसको यूज करने लग जाए तो मकबूल हो जाता है। अब हरवनी कहना जरा मुश्किल है और औलिया का तरीका आसानी करते हैं, तो वो हरवनी को हारूनी बना दिया। उन्हें आसानियां पसंद हैं। तो आपको दोबारा आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में तलब किया जाता है। मक्का मुअज्जमा से हाजिरी देते हुए मदीना पाक हाजिर होते हैं। अब अकेले हैं, पहले शेख ने पेश किया था, अब फर्क है। और शेख ने हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी ने फरमाया था मुइनुद्दीन सलाम अर्ज कर आका को, और आका का जवाब आया था। अब शेख नहीं है, अब तलबी आई है, अकेले पहुंचे और आप एक जगह मस्जिद नबी में बैठे हैं मुराकबा में सर झुकाकर। आका अलैहिस्सलाम के रोजा तर से आवाज आई, खुद्दाम ने सुना, खुद्दाम ने रोजा मुस्तफा ने सुना। अंदर से आवाज आई आका अलैहिस्सलाम की बारगाह से कि मुइनुद्दीन को बुलाओ, मुइनुद्दीन को बुलाओ। अब खुद्दाम दौड़ पड़े, आवाज देने लगे मुइनुद्दीन या मुइनुद्दीन या मुइनुद्दीन, अइन मुइनुद्दीन, मुइनुद्दीन का आवाज देने लगे। वहां कई मुइनुद्दीन बैठे थे, तो जब मुइनुद्दीन कहे तो हर कोई कहे लब्बैक, खुद्दाम कहे मुइनुद्दीन, हर कोई कहे लब्बैक। वो पलट कर आए आका, यहां तो कई मुइनुद्दीन बैठे हैं, अब किसको बुलाएं। अंदर से फिर आवाज आई मैं मुइनुद्दीन चिश्ती को बुला रहा हूं। आवाज आई मुइनुद्दीन चिश्ती को बुलाओ, फिर आवाज दी जाके खुद्दाम ने मुइनुद्दीन चिश्ती। ये आवाज सुनकर ख्वाजा गरीब नवाज पे रिक्कत तारी हो गई कि आका ने किस तरह करके बुलाया है। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए रिक्कत के साथ, तो जब करीब आके रुक गए, जैसे मवाजा शरीफ तो आज है ना, करीब रुक गए, फिर आवाज आई मुइनुद्दीन अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। अंदर चले गए, मेरे आका ने अपने जमाल जहां आरा से बेनया बेनकाब करके नवाज दिया, बेनकाब करके नवाज दिया, और वहां हुक्म फरमाया मुइनुद्दीन हिंदुस्तान जाओ और क्याम अजमेर में रखो, तुम्हारे दम कदम से उस सरजमीन पे इस्लाम का बोलबाला होगा। अब ऑफिशियली नायब मुस्तफा और अताए रसूल बन के आ गए। अब उसके बाद एक स्टडी होती है, क्योंकि जब बहुत बड़ा काम दिया जाता है तो फिर पूरी दुनिया की स्टडी करवाई जाती है, इस्लाम तहजीब की, सकाफत की, बड़े बड़े औलिया के तरीक, उनके अहवाल। फिर आप वहां से चले इज़्न लेकर आकर इस्लाम की बारगाह में, फिर वहां से बगदाद आए। बहुत अरसा आपका फिर क़याम बगदाद आना जाना रहा है। बगदाद शरीफ पहुंचे हैं तो अब चूंकि नायब रसूल हो गए थे, अताए मुस्तफा बन गए थे, हिंदुस्तान की सल्तनत सौंप दी गई थी, तो अब नतीजा यह हुआ कि बगदाद शरीफ पहुंचे तो रात दिन, जैसे जैसे दिन रात गुजरे धूम मचती चली गई। बगदाद शहर के गली कूचे मुइनुद्दीन के नाम से गूंज उठे रजी अल्लाह तआला अन्हु। उस जमाने में आपकी मुलाकात हजरत शेख नजमुद्दीन कुबरा से हुई।
अलग अलग रिवायात आती हैं, लेकिन हज़रत शेख नजमुद्दीन कुबरा इमाम फ़ख्रुद्दीन राज़ी के शेख, उनके साथ आपकी मजलिसें और सोबतें रहीं, शोरा आफाक बुजुर्ग हैं। उसके बाद फिर आप बगदाद शरीफ से चले, उसी बगदाद में शेख औहदुद्दीन किरमानी थे। मौलाना रूम के खलीफा शेख हुसामुद्दीन चलपी लिखते हैं कि हजरत औहदुद्दीन किरमानी हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की मजलिस में आए और ख्वाजा गरीब नवाज ने उन्हें खिरका खिलाफत अता किया। वो आपके पहले खलीफा बने बगदाद में। तो खिलाफत बांटनी बगदाद से शुरू हुई और फिर आप हजरत शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी के भी मुआसिर हैं, उनसे भी मजालिस रहीं। और बास कुतुब में आया है कि शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी को भी आपने फैज से नवाजा रजी अल्लाह ताला अन्हु। फिर आप वहां से चले, उसी जमाने में जब बगदाद में थे तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी रजी अल्लाह ताला अन्हु भी बगदाद में थे। वो तुर्किस्तान का जो इलाका मावरा नहर है उसके कस्बा ओश से थे और ओश से यही तातारियों की कत्ल गारत गरी के बाद वो भी बगदाद चले गए थे, क्योंकि बगदाद आखिर में जाके ताख्तो तराज हुआ है 656 हिजरी 1252 ईस्वी पर। तो बगदाद शरीफ में थे, उनकी उम्र उस वक्त 23 बरस थी, जवान थे। वो आपकी बारगाह में हाजिर हुए और ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी बगदाद में ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद हुए। फिर आप बगदाद शरीफ से चल के हमदान आते हैं। हमदान में आए तो यहां चल पड़े आगे सफर पर। अब शेख को इश्तियाक हुआ कि मैं मोइनुद्दीन से जा मिलूं। ख्वाजा उस्मान हरवनी आपकी तलाश में निकले। शेख तलाश करते करते आप हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे रस्ते में जहां एक बहुत बड़ा आतिश कदा था और आतिश परस्त लोग आतिश की पूजा करते और आतिश के अंदर जाते पूजा करते थे। आपने उनको रोका कि आग की परस्तिश क्यों करते हो। वो नहीं बाज आए, समझाया नहीं बाज आए। आपने देखा ये बातों से बाज नहीं आएंगे। आपने उन्हीं का एक 7 साल का बच्चा हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी ने उठाया, उन्हीं का आतिश परस्तों का 7 साल का बच्चा, और लेकर आग में कूद गए। 4 घंटे के करीब आतिश में रहे आग में और आतिश गुलजार बन गई। न बच्चे को गजंद हुई न आपको। आप निकले तो कुल आतिश परस्त जो थे आपके दस्त एक दस्त पे बैत करके मुसलमान हो गए। वो आतिश कदा फिर मिसमार कर दिया गया और वहां खूबसूरत इमारत बनी और वहां ख्वाजा उस्मान हरवनी का हुजरा और खानकाह बनी। और इसको हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद चरागे दहली ने भी बयान किया, खैरुल मजालिस में इसकी तफसील आई है। आप हमदान से होते हुए हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज तबरेज आए हैं, वहां हजरत अबू सईद तबरेजी से मुलाकात हुई। ये शेख जलालुद्दीन तबरेजी के पीर थे। वहां से आप तबरेज से अस्फहान आए, वहां हजरत शेख महमूद अस्फहानी उनकी मुलाकात रही ख्वाजा गरीब नवाज से। वहां से खरकान आए और आपने 2 साल के करीब खरकान में क्याम किया हजरत ख्वाजा अबुल हसन खरकानी के मजार पर, इक्तिसाब फैज किया। वो अकाब मुतकद्दमीन औलिया में से थे। वहां 2 साल इक्तिसाब फैज करके, जिनके मजार पे हजरत बायजीद बिस्तामी ने भी फैज लिया, वहां से फिर हेरात पहुंचे हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज। जब हेरात आए तो किसी एक जगह क्याम नहीं किया, आप मस्त अलस्त अल्लाह अल्लाह करके हर तरफ फैज बांटते फैज बांटते। कुल सीरू फिल अर्द, अल्लाह की जमीन पे उसके हुक्म से सैर और सियाहत करते ही औलिया के तसव्वुफ और मारिफत और विलायत का एक बाब होता है। अल्लाह की निशानियां देखते हैं, उसकी कुदरतों के फैज जमा करते हैं, बरकतें जमा करते हैं, मारिफत के चश्मे खुलते हैं। रात का वक्त आता तो हजरत शेख उल इस्लाम अब्दुल्ला अंसारी जो मुसन्निफ हैं मनाजिल उस सायरीन के, उनके मजार पे क्याम करते। इसी तरह वहां से चल के फिर आप बल्ख और सब्जवार में आए। जब बल्ख में आते हैं अफगानिस्तान में तो वहां
بلخ میں آئے اور سبزوار میں تو حضرت شیخ احمد خضروے کی خانقاہ میں قیام فرمایا. اس خانقاہ میں جو بلخ میں وہ حضرت احمد خضروے وہ حضرت حاتم اسم کے مرید و خلیفہ تھے, اس اور ان کی ملاقات سلطان ابراہیم بن ادہم اور حضرت بایزید بستامی سے رہی تھی. اب آپ اندازہ کرتے چلے آئیں کہ کیا کیا سنگتیں اور صحبتیں حضور خواجہ غریب نواز کی, کیا دوستیاں, کیا سنگتیں, کیا مجلسیں, کیا رفاقتیں. وہاں ایک مولانا تھے جو بہت بڑے فلسفی تھے, مولانا ضیاء الدین بلخی, ان کو فلسفے پہ ناز تھا, متکلم تھے, فلسفی تھے. ان کو طبعاً صوفیاء سے چڑ تھی, تصوف کو نہیں مانتے تھے. جب ان کو پتا چلا کہ حضور خواجہ غریب نواز آئے ہیں, بہت بڑے صوفی آئے ہیں ایک, وہ غصے میں آ گئے. آپ پاس تیر کمان رکھتے تھے اور شکار کرتے تھے, ہمیشہ سے ہی شکار کرتے تھے, خواہ پرندے کا کر لیں خواہ دل کا کر لیں, شکار کرتے تھے. شکار کر کے آپ پرندے کا گوشت لائے, کباب بنا کے بیٹھے تھے کہ مولانا ضیاء الدین بلخی مناظرہ کرنے کے لیے آ پہنچے. جب مناظرہ کرنے کے لیے پہنچے تو آپ نے اس کی تواضع کی اور ایک کباب اٹھا کے دیا. ابھی گفتگو نہیں ہوئی, وہ فلسفے پر کلام کرنے آئے ہیں. آپ نے کباب سے تواضع کی, کباب کھانے کی دیر تھی, مولانا ضیاء الدین بلخی کے سارے ہوش چلے گئے. علم چلا جاتا رہا, فلسفہ جاتا رہا, کتابیں جاتی رہی, ہوش جاتا رہا. جب دیکھا کہ علم اور فلسفے سے ہاتھ دھو بیٹھے, آپ نے دوسرا کباب اٹھایا, منہ میں ڈالا تو ہوش پلٹ آیا اور پوچھا کہ ضیاء الدین بلخی یہی کافی ہے؟ اس کے بعد قدموں پہ گر پڑے. اس نے کہا وہ فلسفے سے توبہ اپنی غلامی میں لے لیں. مولانا ضیاء الدین بلخی کو اپنا مرید کیا اور توجہ اور فیض باطنی سے درویش کامل بنا دیا. یہ سیر العارفین جو فارسی میں ہے اس کے صفحہ 11 سے 12 تک یہ سارا واقعہ درج ہے. بلخ کے بعد حضور غریب نواز غزنی میں آتے ہیں. غزنی شہر ہے حضور داتا گنج بخش علی حجویری کا رضی اللہ تعالی عنہ. وہاں شمس العارفین عبد الواحد سے ملاقات ہوئی. یہ بزرگ حضرت نظام الدین ابو المویب ان کے پیر و مرشد تھے. حضور خواجہ غریب نواز ان کے مہمان رہے اور دونوں بزرگ اور اولیاء آپس میں ایک دوسرے کے ہم نشین و ہم صحبت رہے. غزنی سے اندازہ ہے میرا کہ خواجہ غریب نواز نے حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی خبر پائی ہے. غزنی سے چل کے پھر ہمارے شہر آتے ہیں, لاہور آتے ہیں, پھر آپ کے شہر آتے ہیں. پہلے ہمارے خواجہ ہوئے ہیں, پھر آپ کے خواجہ ہوئے ہیں. پہلے ہمارے خواجہ ہوئے ہیں, ہمارے سروں کا تاج ہوئے ہیں, سرزمینی لاہور کو اپنے قدم سے فیض بخشا ہے, پھر اجمیر پاک میں آتے ہیں, اس کو پاک کرنے آتے ہیں. غزنی سے لاہور پہنچے. وہ داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس پہ چلہ کش ہوتے ہیں, فیض یاب ہوتے ہیں. وہاں حضور داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر بھائی حضرت حسین زنجانی حیات تھے. پھر ان سے دوستی اور محبت ہو جاتی ہے اور کچھ روز ان کے ساتھ مجلسیں اور صحبتیں رہتی ہیں. وہاں سے حکم تھا چونکہ آقا علیہ السلام کا, ہندوستان دے دیا تمہیں اور اجمیر جانا ہے. 40 درویشوں کی جماعت حضور خواجہ غریب نواز کے ساتھ تھی, اور اس 40 درویشوں کی جماعت کے ساتھ آپ دہلی سے ہوتے ہوئے لاہور سے اجمیر شریف وارد ہوتے ہیں. وارد اجمیر ہوتے ہیں 40 درویشوں کے ہمراہ. اجمیر اس زمانے میں تہذیب و ثقافت کا, اس مذہب کا, رسومات کا مرکز تھا اور سیاسی اعتبار سے بہت بڑا قلعہ تھا, گڑھ تھا. دہلی سے بھی زیادہ بڑا مرکز تھا اجمیر. اس لیے آپ نے اجمیر کو منتخب کیا. یہاں یہ بتاؤں کہ یہاں بھی آ کے درس بھی دیے, جہاں گئے درس بھی دیے. صاحب سیر الاولیاء بیان کرتے ہیں کہ حضور خواجہ نظام الدین اولیاء جب بابا فرید الدین گنج شکر کی خدمت میں تھے
तो हुजूर बाबा साहब ने, मैं बताना चाहता हूं, ये सिलसिला चिश्तिया के औलिया और मशायख, हिंद के रहने वाले लोग ये ना समझें कि ये सिर्फ असहाबे करामात थे, नहीं, ये असहाबे उलूम व फनून भी थे, ये आइमाए फिक्र और हदीस भी थे, आइमाए इल्म व फलसफा और इल्म व तसव्वुफ भी थे। हुजूर बाबा साहब ने ख्वाजा महबूब इलाही को खुद अवारिफ उल मारिफ का दर्स भी दिया, इयाउल उलूम भी पढ़ाई इमाम गजाली की, शेख अकबर की फुसूसुल हिकम भी पढ़ाई, फुतुहात मक्किया भी पढ़ाई, हुजूर दाता गंज बख्श की कशफुल महजूब भी पढ़ाई, इमाम अबुल कासिम कुशैरी का रिसाला कुशैरिया भी पढ़ाया, इमाम गजाली की किमियाए सादत भी पढ़ाई, मौलाना रूम की मसनवी भी पढ़ाई। ये औलियाए चिश्त इन तमाम कुतुब को शामिल दर्स रखते थे, और यही आलम तमाम औलिया का और तमाम सूफिया का था। जैसे मैंने अर्ज किया, हुजूर ख्वाजा अजमेर यहां वारिद होने से पहले मुहद्दिस मदीना भी थे। जब आप यहां वारिद हो गए आप अजमेर में, तो जब आप बगदाद से चले थे, यहां एक बात कर लूं, बगदाद से चले थे तो उस बगदाद के क्याम के जमाने में आपकी विलायत का जब चर्चा हो गया, तो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की विलायत का इम्तिहान लेने के लिए 7 आतिश परस्त जोगी आए, बहुत बड़े कामिल थे वो अपनी रियाजत में, और उनका आलम यह था कि 6-6 माह तक रियाजत करते, रोजे रखते और एक लुकमे से रोजा इफ्तार करते, 6-6 माह तक। वो 7 हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में बगदाद शरीफ के क्याम के दौरान आए। उनका ख्याल था कि हम अपने तसर्रुफ और तवज्जो के साथ आपके मुबारक कदम मुतजलजल कर देंगे। जो ही ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में वो 7 आतिश परस्त जो अपने फन में माहिर थे, कामिल थे, पहुंचे, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की जो नजर पड़ी वो कांपने लग गए, उनके रंग जर्द हो गए, बस जुबान अकदस से कुछ नहीं कहा, बेख्तियार 7 के 7 आपके कदमों पर गिर पड़े। आपने दर्श दिया, फरमाया, नादानों तुम आग की परस्तिश क्यों करते हो? उन्होंने कहा, इसलिए करते हैं ताकि क्यामत के दिन और बाद में मरने के बाद आग हमें न जलाए। आपने फरमाया, ये इस तरह तो आग के जलाने से बच नहीं सकते, जब तक तो खुदा की परस्तिश न करोगे तो आग तो तुम्हें जलाएगी। उन्होंने जवाब में कहा, आप तो खुदा की परस्तिश करते हैं, क्या आपको आग नहीं जलाएगी? आपने फरमाया, मुझे आप जलाने की बात करते हो, मुइनुद्दीन के जोड़ों को भी नहीं जलाएगी, मुइनुद्दीन के जूते नहीं जलाएगी। दंग रह गए। उन्होंने कहा, आप हमें मंजर दिखा दें। आपने गुलामों से कहा कि मेरे जूते उठा के आग में डाल दो। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के जोड़े, बगदाद की सरजमीन का वाकया है, बगदाद शरीफ का, जोड़े आग में डाले, देर तक पड़े रहे। आपने हुक्म दिया, आग मुइनुद्दीन के जोड़ों का ख्याल करना। देर के बाद जोड़ों को निगाई, गैब से आवाज आई कि आग की क्या मजाल कि खुदा के दोस्त के जूतों को जला सके। वो वही मुशर्रफ बा इस्लाम हो गए और आपकी गुलामी इख्तियार कर ली, और आपकी तवज्जो और तरबियत और सुबह से औलिया कामिलीन ठहरे। ये पूरा वाकया सैयरुल अक्ताब में आया है। अब मैं अर्ज कर रहा था कि फिर आप वारिद अजमेर हुए, दिल्ली से अजमेर जब आए तो प्रीचिंग ऑफ इस्लाम में TW आर्नल्ड ने लिखा है, सिर्फ दिल्ली से अजमेर पहुंचते पहुंचते आपने निगाह से 700 खानदानों को मुशर्रफ बा इस्लाम किया। सिर्फ दिल्ली से अजमेर के सफर में हिंद फतह होने का अमल शुरू हो गया, हिंद की फतुहात बोलिए शुरू हो गई। अजमेर में आप पहुंचे तो यहां पहुंचकर आपने इब्तिदा में अपने 40 दरवेशों के हमरा एक बहुत बड़ा दरख्त था उसके नीचे क्याम फरमाया। इस शहर के करीब जंगल में ही दरख्त था, उस वक्त जंगल था, अब मंगल हो गया। हाय हाय, वो जहां ख्वाजा गरीब नवाज
टिक गए वही मंगल हो गया। उस दरख्त के नीचे क्याम फरमाया। ये दरख्त उस वक्त जो राजा था उसके ऊँटों के बैठने की जगह थी। आप क्याम फरमा हो गए। 40 दरवेश साथ थे। सिगर उल अख्ताब में आता है, मसालिक उस सालिकीन में आता है जिल दोम सफ़ा 278 में कि वो उसके राजे के दरबारी आए और वो गुस्से से भड़क उठे और बुरा भला बेअदबी और गुस्ताखी की जुबान बोलकर गुस्ताखाना लहजे में कहने लगे, उठा दिया, उठो यहां से, ये राजे के ऊँटों के बैठने की जगह है। बेसाख्ता आपके खादिम दरवेश 40 आपके चेहरे अनवर को तकने लगे कि ख्वाजा गरीब नवाज क्या कहते हैं। आप उठ गए, दरवेशों को कहा चलो, उनसे कहने लगे हम चलते हैं और तुम्हारे राजे के ऊंट बैठे ही रहेंगे, तुम्हारे राजे के ऊंट बैठे ही रहेंगे। शाम हो गई, चराने के बाद वो ऊंट लाए। उन्होंने आके अगले दिन सुबह ऊंटों को चराने वालों को रात शाम जब हो गई तो वहां आके बिठाया। सुबह चराने के लिए आए, उठाने के लिए तो एड़ी चोटी का जोर लगा के थक गए, ऊंट बैठे के बैठे ही रह गए। अजमेर की नगरी में पहली करामत हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की ये जाहिर हुई। इससे एक शोहरत हो गई कि ये कोई दरवेश आया है और परेशान हो गए। फिर उन्होंने आके माफी मांगी तो आपने फिर हुक्म दे दिया तो आपके हुक्म से ऊंट फिर उठ खड़े हुए। इसकी शोहरत हो गई। फिर ये जो आना सागर जहां मैं ठहरा हूं, और मेरा दिल उस ख्वाजा गरीब नवाज की उस झील को देखकर ऐसे लगा कि काश मैं घर ही यहां रख लूं। हाय हाय हाय, काश मेरा घर इसी झील के किनारे होता, मेरा घर इसी झील के किनारे होता जहां हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज वुजू करते थे, जहां नहाते थे, मेरा घर यहां होता। काश मैं आपके जमाने में होता, मैं आपके जोड़े सर पे उठा के फिरता होता, आपके नौकरों के जोड़े सर पे उठा के फिरता होता, आपके नौकरों के नौकरों के जोड़े उठा के फिरता होता। वो झील, वो आना सागर कितनी खूबसूरत लगती है। अरे खूबसूरत क्यों ना हो, जिस झील के पानी में ख्वाजा गरीब नवाज से कदम छू लिए हैं, उस जगह आप वुजू करते, गुसल करते, उस झील के हर सिमत मंदिर थे और उनके पुजारी और ब्राह्मण रोकने लगे। फिर वो ब्राह्मण गुस्से में आ गए और बिलाखिर उन्होंने कहा कि इस तालाब से इनको उठा दिया जाए, इनको रोका जाए। अब शहजादी आरा बेगम सिर सैयरुल औलिया में बयान करती है, ये वाकया बयान करती है कि फिर गुस्से में आके उन्होंने आपको रोक दिया कि आना सागर को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, गुसल नहीं कर सकते, वुजू नहीं कर सकते, चले जाओ यहां से। इकट्ठे होके आ गए, बेअदबी गुस्ताखी और गुस्से के लहजे में बोले। कुदरत ने अजब तमाशा दिखाया। जब आपको उठाने पर आ गए, आपने खादिम को भेजा कि जाओ मेरा एक लोटा आना सागर, बहुत बड़ी झील है दरिया की तरह, जाके एक लोटा भर के ले आओ। अब दुनिया देख रही है कि होता क्या है। वो लोटा लेके आते हैं, उसने लोटा भरा, लोटा क्या भरा, सारी झील लोटे में आ गई, सारी झील लोटे में आ गई। अताए मुस्तफा जो थे, अताए मुस्तफा जो थे, हुदैबिया का मैदान है, 1500 सहाबा हैं, अर्ज करते आका ना गुसल का पानी, ना वजू, ना पीने का पानी। आका ने फरमाया लोटा लाओ, लोटा लाओ, थोड़ा सा पानी हो। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने दस्त मुबारक रखा, उस लोटे से नदियां बहने लगी। फरमाया गुसल भी कर लो, वजू भी कर लो, बर्तन भी भर लो। बुखारी शरीफ में आता है कि सहाबा से पूछा गया तुम कितने लोग थे, कहते खुदा की कसम थे तो 1500, मगर 1,00,000 भी होते तो लोटे से पानी दरियाओं की तरह उबल रहा था, लाखों को पूरा हो जाता। उन्होंने लोटे से झीलें बहा दी,
अतः मुस्तफा ने पूरी झील लोटे पे बंद कर दी। अना सागर एक लोटे में बंद कर ली। अब ये सारा वाकया इसने एक तहलका मचा दिया, पूरा तहलका मचा दिया हर सू। तो जो राजा था पृथ्वी राज, अब उसने कहा एक बहुत बड़ा नामवर जिसका नाम साधु था, उनका साधु साधु राम बोलते थे, जो बाद में शादी राम हुआ, शादी राम या शादी राम नाम बना, उसके जिम्मे किया। मसालिक उस सालिकीन में आता है, खजीनतुल असफिया में है, सैयरुल औलिया में है। वो बड़ा तकड़ा साधु था, जादूगर था, और उसके पास इस्तदराज थे। उसको तैयार किया कि अब हमारी राजधानी गई, चूंकि राजे की मां ने 12 साल पहले बता दिया था कि दरवेश कामिल इस शक्ल का आने वाला है और तुम्हारी राजधानी का तख्ता उलट जाएगा। उसने तस्वीरें जो मां ने बताई थी शक्ल, तस्वीरें बता के पुलिस उस जमाने के पुलिस अफसरों को दे दी थी कि जब इस शक्ल का आए तो गिरफ्तार करके मुझे पेश करना। मगर अब वो पुलिस अफसर क्या करें। उसने साधु राम को तैयार किया कि हमारा तो पूरी सल्तनत जा रही है, अब तुम मुकाबले में उतरो। साधु राम उतरा, लोगों को लेकर आया अपना कर्तव्य दिखाने के लिए। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के जो दरवेश थे, थोड़े लम्हे के लिए परेशान हुए कि शायद बहुत बड़ा नामवर जादूगर है साधु राम, मालूम नहीं क्या हो। आप मुस्करा पड़े, फरमाया परवाह न करो, घबराओ नहीं। बस जो ही साधु राम अपने चेलों को साथ लेकर आया था, आपके सामने आया, आपने सिर पूछा कौन आया है, साधु राम आया है। निगाह ख्वाजा गरीब नवाज की उठी, वो सारे मंत्र भूल गया, सारे मंत्र भूल गया। आप नमाज में मशगूल हो गए, वो तकता रह गया। जब नमाज से फारिग हुए, फिर आपने दूसरी निगाह की, उसके कदम शल हो गए, बेहिस हरकत, एक बत की तरह जहां खड़ा था खड़ा रह गया। आपने फरमाया बोल साधु राम, कुछ बोल। अब वो राम राम पुकारना चाहता था ताकि मंत्र शुरू करूं, उसने जुबान खोली, राम राम की बजाय रहीम रहीम का विरद करने लग गया। जब रहीम रहीम का विरद करने लग गया तो वो उसके सारे लोग जो साथ आए थे चेले, उस पर लान तान करने लगे कि इसने क्या कर दिया। उसने तेजी से, उसका होश जाता रहा, उसके हाथ में जो कुछ आया उसने उठा के लोगों को मारा, गाली गलौच दी, पत्थर मारे, लकड़ी पत्थर जो मिला मारे, भगा के दीवाना हो गया। उसकी हालत देखकर ख्वाजा गरीब नवाज ने उसको एक प्याला पानी का भर के दिया, पी ले। पानी का प्याला पिया, सारी तारीकी दिल से जाती रही और कदमों पे गिर पे हुजूर गरीब नवाज का गुलाम हो गया। तो पहला जिस पर नाश था राजा पृथ्वीराज को, साधु राम, वो जाता रहा, गुलामों में आ गया। उसके बाद आखिरी सबसे बड़ा साहिब मंत्र, बड़ा जोगी, जिसके मुकाबले का कोई जोगी सरजमीन हिंद में ना था, अब उस पर उसका भरोसा रह गया, जोगी अजय पाल। अब पृथ्वीराज ने, वो रिश्ते में उसका रिश्तेदार भी था, खानदान एक था, योग का माहिर, संन्यास की धुन का माहिर, जादू का माहिर, मंत्र का माहिर। अब उसको कहा कि अब हमारी राजधानी गई अजय पाल, अब तू कुछ हमारी लाज रख। वो अपने सैकड़ों शागिर्दों को लेकर सारे मंत्रों और जादुओं के साथ हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होने लगा। और आते उसने अपने जादू और मंत्र के नतीजे से राजा पृथ्वीराज ने मुनादी करा ली कि आज उस मुस्लिम दरवेश का मुकाबला होने वाला है। हजारों की तादाद में दुनिया उमड़ के आ गई, सबका ख्याल था कि अब उनकी उनकी रूहानी सल्तनत का खात्मा हो जाएगा। उमड़ता हुआ सैलाब लोगों का देखकर आपके दरवेश फिर कुछ घबराए
मगर आपके चेहरे पे मुस्कराहट देखी, एतमाद देखा, यकीन देखा, तवक्कुल देखा, संभल गए। आप उठे, अंगुष्ट मुबारक से हिसार बना दिया। हिसार बना के फरमाने लगे, दरवेशो इस हिसार से बाहर नहीं जाना। बस उसके बाद वो अजय पाल पहुंचा है, जो ही आपके लिए वो इरादा करता बुराई का, इरादा करते ही वो नाबीना हो जाता, फिर इरादा बदलता बीना हो जाता। सात मर्तबा हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में आते आते नाबीना हुआ और उसने इरादा बदला तो बीनाई आई। अब वो गुस्से में आ गया, उसने अपने मंत्र पढ़े और इर्द गिर्द पहाड़ों की चट्टानों को टुकड़े कर दिया अपने जादू और मंत्र से, हवा में उछाला, उछल के गिरे। जो चट्टानों के टुकड़े गिरे वो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के हिसार में किसी टुकड़े को दाखिल होने की जुरत ना हो, पलट कर उसी अजय पाल पे जा गिरे, उसके शागिर्दों पे जा मिले। गुस्से में आके उसने आग बरसाना शुरू की। आग हिसार ख्वाजा में दाखिल होने की जुरत नहीं रखती, पलट कर आग की चिंगारियां फिर उस पर जा रही है। बढ़ते बढ़ते वो जब आजिज आ गया तो उसने आके चीख कर चिल्ला कर कहा कि आप बाज आ जाएं, वरना मैं पहाड़ों को कि अंदर आपको पीस के रख दूंगा और आपको सुरमा बना दूंगा। उसकी खराफात को सुनकर हुजूर ख्वाजा अजमेर बोले, जो होता है कर ले। उसने सांपों को हुक्म दिया तो हजारों सांप जादू और मंत्र से, जिस तरह सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले के लिए मिस्र के जादूगरों की लाठियां सांप बन गई थी, सांपों को लेके आ गया। उसने सांपों को अपने बदन के इर्द गिर्द लपेटा, हवा में उड़ा। जब उड़ गया तो ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया अपने खादमों को कि मेरे जोड़े उठा के हवा में उड़ा दो, नालेन अपने मेरे नालेन हवा में उड़ा दो। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के नालेन उड़ाए गए, वो खुद उड़ा है। नालेन उठे, हवा में उसके चेहरों पर सर पे वो बरसे कि बरस बरस कर उसको खून से लहूलुहान कर दिया। वो नीचे गिरा और ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों पर गिर कर माफी का तलबगार हुआ, और तलबगार होकर उसने आपकी गुलामी इख्तियार कर ली। आपने प्याला पिला के उसको, उसके दिल को मुनव्वर किया और उसके तलब के मुताबिक उसको मारिफत का हिस्सा अता कर दिया। अजय पाल भी गया, अब कोई नहीं रहा। अब उसकी जगह फिर आप इस जगह, ये उसी शादी देव की जगह थी जंगल में, इस जगह को दरखास्त की गई, हुजूर अब पहाड़ से आ जाएं, यहां दरगाह बनाएं। तो आपने अपनी जमात और दरवेशों के लिए जगह बनाई, इबादत खाना बनाया, मस्जिद बनाई, मतबख बनाया, और आज जहां रोजा पाक है, ये हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी दरगाह फिर बना ली। और दरगाह बनाकर रफ्ता रफ्ता अतराफ व अकनाफ फतेह होने लगे। आपके पास तलवार न थी मगर हर एक का दिल शिकार करते चले गए, और इस तरह हिंद की फतह शुरू हो गई। हिंद की फतह शुरू हो गई। इस कैफियत में जिधर निगाह पड़ जाती फासिक मुत्तकी बन जाता, जिधर निगाह पड़ जाती मुनकर मोमिन हो जाता। निगाह वली ने वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। इस कैफियत में जब हर तरफ आपका असर फैलता चला गया तो आपने फिर लोगों को भेजा कि अब राजा पृथ्वीराज को दावत इस्लाम दी, उसने रद्द कर दी। सैयदुल अक्ताब में आया है और सैयदुल औलिया में और अखबारुल अखियार में और मतलूब और आरिफीन में, बहुत सी किताबों में, कि वो गुस्से में आ गया क्योंकि अब उसके सहारे खत्म हो गए थे पृथ्वीराज के। उसने कहा अब नौबत यहां तक आ पहुंची कि मुझे दावत दी गुलामी की। तो उसने जो लोग दावत लेके गए थे उनको जदोकोब किया, उनको जदोकोब किया, अजियत दी। जब तकलीफ पहुंचाई, अजियत दी, तो वो बेचारे दौड़ के आके हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में इल्तिजा करने लगे कि उसने बड़ा जुल्म किया है, हमारी बात नहीं मानी। उस मौका पर ख्वाजा गरीब नवाज जलाल में आ गए।
जलाल में आकर साहिब सैयरुल औलिया, साहिब मतलूब तालिबीन, साहिब रौदतुल अख्ताब, साहिब अखबारुल औलिया, कुल कुतुब आपके सवाने हयात की मुत्तफिक हैं कि जलाल में आके आपने खिताब किया और पृथ्वीराज को कहा, परा पथोरा रा जिंदा गरिफ्तेन वदा देन बलश्कर इस्लाम, के राजा पथोरा हमने तुझे जिंदा गिरफ्तार कर लिया और लश्कर इस्लाम के सपुर्द कर दिया। ये जुमला कहने की देर थी कि उधर यहां फरमा रहे हैं और उधर सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी घर सोया हुआ है, ये फरमाकर उसके ख्वाब में आते हैं और ख्वाब में आके सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी से फरमाते हैं, शहाबुद्दीन तुझे हिंदुस्तान की बादशाहत अता दी। ताजदार कायनात ने फरमाया था, मुइनुद्दीन तुझे हिंद अता कर दिया, अरे मैं ख्वाजा गरीब नवाज को हिंद का सुल्तान क्यों ना कहूं कि उधर अफगानिस्तान में लेते शहाबुद्दीन गौरी को कहते हैं तुझे हिंदुस्तान अता कर दिया। खुदा की कसम, अगर मेरे ख्वाजा शहाबुद्दीन गौरी को हिंदुस्तान न देते, वो लाख हमले करता, यहां सल्तनत इस्लाम वो कायम न कर सकता। शहाबुद्दीन गौरी तुझे सल्तनत हिंद मिली, तुझे तख्त अजमेर मिला, तुझे तख्त दिल्ली मिला, हिंद की सल्तनत मिली, ये करिश्मा तेरी सोच का नहीं है, तेरी जंग के हुनर का नहीं है, ये सदका है गरीब नवाज के कदमों का, ये खैरात है। सल्तनत मुसलमानों की कायम होगी तो खैरात है ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद की। तुम सब लोग, तुम्हारे आबाओ अजदाद, तुम्हारी पुश्ते मुसलमान बने, तुम गैर मुस्लिम थे, बुतों के पुजारी थे, तुम्हें मुस्तफा की खबर मिली, तुम्हें ईमान मिला, तुम्हारी पुश्तों को ईमान मिला, तुम मुसलमान हुए। खुदा की कसम, तुम्हारी हमारी मेरी तुम्हारी सबके मुसलमानी सबका ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों का। गरीब नवाज के जोड़ों की, इसलिए वो अताए रसूल भी हैं और नायब नबी भी हैं। काया पलट दी, हिंद की तकदीर बदल दी, रुख बदल दिया, तारीख बदल, ये इनका तसर्रुफ था। किसी सुल्तान के हुनर न थे, किसी सुल्तान का हुनर न था, किसी फौज का कमाल न था, ये हुजूर ख्वाजा अजमेर रजी अल्लाह ताला अन्हु का अपना कर्म था, उनकी तवज्जो थी, वो फैज था जो अता किया था मुस्तफा ने, कि आपने जब ये बिशारत दी, सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी बेदार होके अपने मुशीरों से बात करता है और तब हमला करता है, और आप देखिए कि वो दिल्ली से आगाज नहीं करता, वो अजमेर पहुंचता है। अजमेर पहुंचकर चूंकि आप फैसला फरमा चुके थे कि राजा पृथ्वी आज तुम्हें जिंदा गिरफ्तार करके दे दिया, तो वो यहां पहुंचा और जिंदा गिरफ्तार करके यहां सल्तनत कायम की, और फिर यहां से चल के दिल्ली की सल्तनत कायम की, और अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली के तख्त पर बैठाकर एक गुलाम को हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया। अरे गुलाम को हिंदुस्तान की बादशाही किसने दी? कोई कहे कि सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने दी, नहीं नहीं, शहाबुद्दीन गौरी की क्या बदाल, ये ख्वाजा गरीब नवाज ने दी। फिर आपने जब सल्तनत कायम हो गई, फिर आपने मुख्तलिफ इलाकों में अपने तलबा, अपने खुलाफा, फैज याफ्तगान, तरबियत याफ्तगान मुतय्यन कर दिए, हिंद में रवाना कर दिए, दिल्ली ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी के सपुर्द कर दिया, नागौर हजरत ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी के सपुर्द कर दिया। हिंदुस्तान के अतराफ और अकनाफ में आपने अपने मुरीद, अपने खुलाफा तैयार किए हुए लोग रवाना कर दिए,
और सखी ऐसे, तीन शहजादे थे, तीन शहजादे थे। मिसाल से कबल जब बारी आई तो अपने शहजादों को खलीफा नहीं बनाया, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को खिलाफत दी। फिर उन्होंने शेख की सुन्नत पे अमल किया, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर को खिलाफत दी। उन्होंने शेख की सुन्नत पे अमल किया, पलटकर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को और अलाउद्दीन अहमद साबिर को दी। ये सखावत, ये करम, ये बेनियाजी, ये सुन्नत रसूल थी जो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने जिसका निजाम जारी रखा और तमाम मशायख ने उसको पहुंचाया। उस वक्त जब आपकी दरगाह बन गई, सल्तनत हो गई और लोगों के दिलों पर गरीब नवाज की हुकूमत कायम हो गई, उस वक्त आपका लंगर, आपका दरबार, उसकी खिदमत हजरत ख्वाजा सैयद फखरुद्दीन गर्देजी को दी, जो आपके ख्वाजा उस्मान हरवनी ने उनके सुपुर्द किए थे, उनको दी। ख्वाजा फखरुद्दीन गर्देजी आपके लंगर खाने के और आपकी खिदमतगाह के मालिक हुए और जिम्मेदार हुए। और आलम यह था उनका, हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन गर्देजी का, कि कई बार ऐसा होता कि लंगर में कुछ ना बचता, लंगर में कुछ ना बचता मेहमानों के लिए। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रिवायत करते हैं, फरमाते हैं खुदा की कसम मैंने 20 बरस अपने शेख की खिदमत में रह के नौकरी की, सोबत में रहा और मैंने यह अमल अपनी आंखों से देखा। रावी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, मोनिसुल अरवाह में यह रिवायत आई है। फरमाया कि जब बावर्ची खाना में, लंगर खाना में कुछ ना होता तो हजरत ख्वाजा सैयद फखरुद्दीन गर्देजी हाजिर होते और हाजिर होकर अर्ज करते, हुजूर मेहमान आ रहे हैं, दरवेश आ रहे हैं, मगर बावर्ची खाने लंगर में पकाने का कुछ नहीं। तो आप फरमाते मुसल्ले पे बैठे हुए, मेरा मुसल्ला उठा लो, जितनी जरूरत है ले जाओ। अरे सारी दावत गरीब नवाज का मुसल्ला के नीचे है, जिसको जितना चाहे दे दें और नवाज दें, जिसको जितना चाहे नवाज दें। यह आपका अमल था, यह अमल था। और फिर इस तरह जिंदगी बसर की, लोगों की काया पलटी, ईमान के नूर से सरजमीन को रोशन किया, तकदीरें बदली, फैज बांटा, इस्लाम का दर्स दिया। मुसलमान भी आते, हिंदू भी आते, इस बारगाह में कोई तफरका न था, कोई नफरत न थी, बिला तमीज रंगो नस्ल और बिला तमीज कबीलो मजहब जो आता ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह से पाता। ये उनका अमल था सहाबत का, कि इनके सिवा ये लकब किसी को न मिला, वो गरीब नवाज थे, गरीब नवाज हो गए, आज तक गरीब नवाज है। आज उनके लंगर से आज भी मुसलमान भी खाता है, गैर मुस्लिम भी खाता है और मेरे जैसा गरीब भी खाता है, वो गरीब नवाज। और दर्जा वो पाया कि जब विसाल का वक्त आया, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज का, अताए रसूल का, सुल्तान हिंद का, नायब मुस्तफा का रजी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम सलातीन का, सैयद अलआरिफीन का, कुदवत अल अख्ताब का, जब उनके विसाल का वक्त आया तो साहिब सैयद अल औलिया बयान करते हैं कि उस वक्त के कई औलिया और सालहीन जो आपने पैदा कर दिए थे, रात को एन उस वक्त ख्वाब में देखा कि आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं। पूछा या रसूलल्लाह, बहुत सो ने देखा आका तशरीफ लाए हैं, आका क्या माजरा है, आप यहां अजमेर आए हैं। आका ने ख्वाब में हरेक को जवाब दिया कि खुदा का दोस्त और खुदा का महबूब मुइनुद्दीन आ रहा है, मैं खुद उसकी रूह का इस्तकबाल करने आया हूं, मैं मुइनुद्दीन को लेने आया हूं। अरे मेरा जुमला सुनिए, मैं उनको नायब नबी और अताए रसूल क्यों ना कहूं, कि भेजा भी रसूल ने था, भेजा भी मुस्तफा ने था और लेना भी मुस्तफा आए हैं। हाय 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 हाय, भेजा भी मुस्तफा ने था और लेना भी मुस्तफा खुद आए हैं, वो उन्हीं के थे, उन्हीं से आया, उन्हीं के पास।
चले गए और दुनिया को हयात ज़ाहरी में भी देते रहे, आज 9 सदियां गुजर गई आज तक दे रहे हैं। वो झोलियां बहते थे, वो झोलियां भर रहे हैं और कयामत तक झोलियां भरते रहेंगे। जो झोली फैला के आएगा भर भर के जाएगा, और जिसने झोली फैलानी है वो महरूम और बदबख्त रह जाएगा। और जब आपका जसद मुबारक देखा गया, विशाल हो गया, रूह कफस उसरी से परवाज कर गई, तो फिर माथे पर नूर के लफ्जों से लिखा था कि हाजा हबीबुल्लाह व मा तफी हुब्बिल्लाह। मैं इशारा करके कह रहा हूं, अब मेरे साथ आप सब दाएं हाथ उठा लें और इधर इशारा करें और कहें हाजा हबीबुल्लाह। कहो हाजा हबीबुल्लाह। ख्वाजा अजमेर किरुए पाक मुतवज्जे है, वो सुन रहे हैं और देख रहे हैं। कहो हाजा हबीबुल्लाह। अरे कहो हाजा हबीबुल्लाह। कहो हाजा हबीबुल्लाह। कहो हाजा हबीबुल्लाह। वो मैं कभी हबीबुल्लाह, ये खुदा का महबूब था, महबूब है, मोहब्बत में गया और मोहब्बत में जिंदा है और क्यामत तक मोहब्बत बांटता रहेगा। जिंदाबाद मुस्तफा, ए नायब मुस्तफा, तू खुदा का महबूब था, है, रहेगा। उस मोहब्बत में से कुछ खैरात हमें भी अता कर दीजिए। वमा अलैना इल्लल बलाग।